Hello, hello, hello. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरी वन उम्मीद करता हूं कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त है सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि बीकॉम की वजह से आतंक मचा हुआ है मतलब बीकॉम एग्जाम्स की वजह से मैं आप लोगों को बता दूं अगर अगर आप लोगों का कोई क्लास मिस भी हो जाता है ऑडियो सुन लिया करिए ऑडियो को एक दो बार सुनिए लेक्चर देखना नहीं भी हो लेक्चर होता रहेगा आधा आधा घंटा रोज जब भी लेकिन ऑडियो सुन करके आप अगले क्लास से जुड़ जाइए फिर बता रहा हूँ कभी भी किसी का कोई भी बैकलॉग हुआ बैकलॉग जब टाइम मिलेगा तब करेंगे इसके लिए अभी की क्लास कभी मिस करना नहीं है क्लासेस रेगुलरली जितने आप फेस टू फेस लाइव ऑनलाइन करते रहेंगे या फिर जो भी आपका रिकॉर्ड का शेड्यूल है आपका शेड्यूल बिगड़ना नहीं चाहिए करेक्ट एक बहुत प्यारी चीज मैं करने वालों आप चाहते हो कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें यस yes, नो no? yes, तो देखो मुझे पता है कि मेरा बिहेवियर कैसा है मुझे पता है कि यार मैं और ये सबका बिहेवियर है नो वन वॉन्ट्स टू लूज बताए गेम इतने सक्सेसफुल क्यों होते क्योंकि इसको हारना पसंद नहीं है इट इज नॉट अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेस बट ह्यूमन बिहेवियर ऐसा है कि किसी को भी हारना पसंद नहीं है कोई भी मूवी देख लो कोई भी वेब सीरीज देख लो हीरो तो आखिरी में जीतना ही है अगर गलती से उन्हें हीरो को नहीं जीता फ्लॉप ना लिसन सी मैंने मेरे लिए रूल बनाया कि मैं एक मिनट भी लेट हुआ तो सिल्क दूंगा आज तक ऐसा हुआ है कि मेरे को सिर्फ एक क्लास में दस हज़ार रुपये की सिल देनी पड़ी थी एक ही बार हुआ है लेकिन मुझे पता है मुझे पता है कि जैसे मैं अनाउंस करता हूँ मुझे हारना नहीं है तो दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए विशाल सर सर वो मैं अगर लेट हो गया ना तो सिल देनी पड़ेंगी तो मैं बोला सर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ आई एम ऑन टाइम मैंने मेरे लिए रूल बना लिया फिर मैंने ऑडियो का भी बनाया शाम को छः बजे कल तीन मिनट पहले भेजा मैंने ठीक वो पहले आधा अपलोड हुआ था फिर पूरा अपलोड ठीक है तो मिनट बाकी थे देखो रूल ये था कि आप तक ऑडियो पहुंचना चाहिए ऑडियो पहुंचना चाहिए अब मैंने ऑडियो पहुंचा दिया था बराबर नहीं नहीं <laughs> कभी कभी दो पार्ट में रिकॉर्ड होता उसको मर्च करना पड़ता ओके okay. तो अगर आप चाहते हो आप भी गेम में पार्टिसिपेट डू टू पार्टिसिपेट इन दिस गेम यस नो तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ आई एम गोइंग टू पुट अ ट्रांसपेरेंट डोनेशन बॉक्स आउट आप आपके लिए रियलिस्टिक रूल बनाइए रियलिस्टिक कि रोज क्लास अटेंड करना ही है इट टू बी देयर आपको रोज ऑडियो सुनना ही है और डीपी थोड़ा थोड़ा श्रद्धानुसार में भी हो सकता है कि भाई डेली में एक लिख लूँ या फिर दो दिन में एक लिख लूँ आप आपके रूल बनाइए एंड बी ऑनेस्ट टू योर कोई आपको आके देखने वाला नहीं है और जिस दिन आपको लगता है यार मैंने खुद से जो प्रॉमिस किए थे वो मैंने पूरे नहीं किए तो वो डोनेशन बॉक्स में अपन डाल देंगे डोनेशन मेरे को नहीं मिल रहा जो टेस्ट में अच्छा करेगा जो टेस्ट में अच्छा करेगा एमसीक्यू में अच्छा करेगा उसका आधा पोर्शन अपन सामने वाले को दे देंगे मेरे तरफ से तो गिफ्ट रहने वाला है मेरे तरफ से जो भी टेस्ट में अच्छा करेगा आई विल बी गिविंग गिफ्ट फ्रॉम माय साइड और जो भी अपना डोनेशन रेडी होगा वो भी दे देंगे मजा आएगा क्या? और मैं बोलता हूँ एक्सपेरिमेंट करके देखते ना खोने कुछ है क्या? नहीं अपने काम करें कितना रखना चाहिए डोनेशन अगर आप लोगों ने अपनी अपना कमिटमेंट पूरा नहीं किया क्या? 11 रुपए खुद की 10 रुपए साढ़े 12 रुपए देखो खुद को सोच के मत थिंक फिफ्टी और हंड्रेड पचास थोड़ा रहना भी चाहिए ना कि भाई थोड़ा लगना भी चाहिए कि फाइन लगने वाला है दस रुपए का फाइन देंगे तो गर्व से आज भी नहीं किया आज भी नहीं किया और यहां पे गिनते गिनते दस दस रुपए कोई मजा आने वाला है क्या नहीं चलो पचास की सौ कितने लोग बोलते पचास और कितने बोलते सौ अरे भाई बस एक ही है दिलवाला अपना देखो इट इज कंप्लीटली वॉलेंटरी मैं कोई आके चेक करने वाला नहीं हूं इट इज फॉर यूअर डिसिप्लिन एंड यूर परफॉर्मेंस एंड यूर कमिटमेंट टू यूर सेल्फ ऑनलाइन वाले देखो क्या बोलते पांच सौ? कौन है बोले डेढ़ सौ? क्या हाँ, उनको भी स्कैनर भेजेंगे ना उनको भी एक क्यू कोड भेज देंगे इनफैक्ट मेरे को तो मैंने मेरा तो एक ओवरऑल एक आइडिया ही है एक ऐप बनाने का देखते हैं कब बनता है एक दो लोगों को बताया बना ही नहीं रहे करेक्ट गॉड ऐप बनाना है गेम ऑफ डिसिप्लिन बहुत सिंपल सा है लोग अपना कमिटमेंट लिखेंगे और फाइन लिखेंगे रोज उनको एक रिमाइंडर आएगा तुमने आज का कमिटमेंट पूरा किया कि नहीं किया नहीं किया तो डोनेशन डाल दो वो मेरे को आने वाला नहीं है बट गेम ऑफ डिसिप्लिन ये गेम है आप खुद के साथ में खेल रहे हैं कि आपका परफॉर्मेंस बराबर चल रहा कि नहीं चल रहा लेकिन एक बात ध्यान रखना कभी भी इसमें ब्रेक मत आने देना एक हाथ दो दिन गलती से ब्रेक आगे चलता अगर आपने ब्रेक नहीं आने दिया ना बड़े बड़े काम आपके आसानी से हो जाएंगे ठीक है चलिए नाउ ऑनलाइन वालों को अभी आप लोग फेस टू फेस सबको किताब मिली है और किताब देखते सही सर और कितने वॉल्यूम है करेक्ट बताइए एक बुक नाउ लेसन ध्यान दीजिए यह आपका वॉल्यूम वन है बिल्कुल मत घबराइए अपनी सिर्फ ऐसी किताब है जिसके अंदर हर चीज का चार्ट भी है हर चीज का चार्ट भी है और हर चीज की थेरी भी है और थेरी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया हुआ नहीं है पूरा मॉड्यूल की एज इट इज इंक्लूड की है लेकिन हेडिंग्स तो इससे बुक बल्कि दिखती है मैं ऑनेस्टली बता दूं अगर सिर्फ चार्ट आप रख लो तो 200 पेज में कोर्स खत्म हो जाता है अगर सिर्फ इसके चार्ट चार्ट पढ़ लोगे तो कितने पेज में 200 पेज में तो आपको बुक के बुक के साइज से घबराने की जरूरत नहीं है इसके पेजेस से घबराने की जरूरत नहीं है और मुझे लगता है सीए में आने के बाद अब आप घबराना आपका खत्म हो गया क्या है पेजिस? क्या होते हैं पेजेस करेक्ट क्या होते हैं ठीक है अब इससे डर नहीं लगता सब हाँ तो गाइज इससे घबराइए मत अगर आप देखोगे तो हमारे टीचिंग में मैंने आपको बार बार बताया कि हमारा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और अच्छा हम बहुत अच्छा करेंगे तो किताब के बारे में मेरे को बोलना था चिंता मत करिए पे ध्यान दीजिए अब एक स्टूडेंट है कुशल तो उसने पहले दिन मैंने बोला उसने लिख के लाया तो उसने जो लिख के लाया तो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड सेम लिख कर लाया जैसे DPQ के आंसर में था तो मैं समझ गया फिर मैंने उसको बोला तू गलत कर रहा है बिंदास लिख तेरे जो मन में आता है वो लिख जो अपन ने क्लास में सुना है जो ऑडियो में सुना है जो तेरे दिल में वो लिख जो चाहे वो लिख तू पब्लिक को थोड़ी देना है अपने को तो अपने को एक चेकर को देना है जो तेरे को जानता भी नहीं है गाइज बिंदास लिखो अब जैसे मैं अभी स्टूडेंट से मिला उनसे तो बोले डीपी क्यों लिख के नहीं हुआ बोले क्यों सर आपने इतना फॉर्मेट बताया वो फॉर्मेट में सब होना चाहिए कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए इसको डर बोलते तुम सिर्फ डर रहे हो लिखने से बिंदास लिखो जैसा लिखना है वैसा लिखो जो लिखना है वो लिखो ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल लिखो कोई प्रॉब्लम नहीं है बट लिखना शुरू करो गाइज घबराओ मत मैं आपको बता रहा हूं कि जो लोग यहाँ पे घबराएंगे नहीं लिखना जैसे फास्ट फास्ट बॉलर होता है ना उसको सिर्फ बोला जाता है कि तू बॉलिंग कर और जितना फास्ट बॉल कर सकता है बॉलिंग करते जा तेरी लाइन लेंथ हम सुधारेंगे लेकिन तू पहले तेरी कैपेसिटी तो बना टू बोल उसको बाद में हम ठीक करेंगे स्ट्रीम करेंगे अभी आप वो स्टेज पर नहीं हो कि आप परफेक्ट आंसर जनरेट कर दो अगर आप आज के पहले दिन से परफेक्ट आंसर जनरेट कर देते तो बात ही क्या थी इसीलिए खुल के लिखो जैसा लिखना है वैसा लिखो जो भी मन में आए वो लिखो लेकिन जितना आप लिखोगे यू विल बिकम बेटर एंड बेटर और कल आपकी टेस्ट है कल थर्सडे है ना फ्राइडे आपने बोला आपका जमता नहीं बोला ना आपने अभी सडनली सबका जमने लग जाएंगा थर्सडे को आपका टेस्ट है रात को साढ़े नौ बजे रात के साढ़े नौ बजे आपको चार से पांच क्वेश्चन आएंगे उसमें से आपको तीन ही सॉल्व करने होंगे आपको सिर्फ दस बोल रहे हो कि साढ़े नौ अच्छा क्लास है आपका क्लास कितने बजे तक होता है ग्यारह अच्छा चलो छोड़ो सुनो आपको जब टेस्ट देना है दे देना मैं पेपर रिलीज कर दूंगा साढ़े नौ साढ़े नौ बजे पेपर रिलीज कर दूंगा जो नहीं दे पा रहे फाइन क्लास होने के बाद आप 11 बजे दीजिए जब भी देना है दीजिए आधे घंटे का टेस्ट है सिर्फ आपको तीन क्वेश्चन लिखने हैं पांच पांच मार्क के आपको ऑप्शन रहेंगे चार पांच में से तीन क्वेश्चन लिखने आपको सबको पता होगा एक मार्क के लिए कितना टाइम मिलता है एग्जाम में वन पॉइंट एट पाँच मार्क के लिए मोटा मोटी मैंने दो के हिसाब से दस मिनट दिए और मैं बोल रहा हूं थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है तो लगने दो प्लीज लिसन तीस मिनट की जगह चालीस मिनट लो अभी टाइम पे फोकस नहीं करना है पहले दिन से पहले लिखना तो सीखो मैं आपको बता रहा हूं तीन आंसर लिखने को कुछ बच्चों को 45 मिनट लेंगे 50 मिनट लेंगे लगने दो लगने दो अरे पहले पूरा कॉन्सेप्ट निकालो तो सही लाओ तो सही उसके बाद स्ट्रीमलाइन करना सीखेंगे जैसे प्रैक्टिकल में कभी कभी मेथड समझने के लिए आपको दो दो घंटे लग जाते लेकिन एक बार मेथड समझ गया तो फिर आप फोड़ना शुरू करते हो फिर आप 10-10, 15 15 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व करते हो वैसे हर सब्जेक्ट में खुलना बहुत ज़रूरी है आर आर यू गेटिंग दिस पॉइंट ओके तो किताब के बारे में मैंने बात कर ली लिखने के बारे में बात कर ली और बहुत प्यारे प्यारे डाउट्स पूछ रहे हैं आई एम वेरी हैप्पी कल मेरे को फेस टू फेस में डाउट पूछा ऑनलाइन भी डाउट पूछा प्लीज़ डाउट आप जितना हो सके टेलीग्राम पर पूछिए एक जगह पर पूछिए सब जगह से डाउट लेकर आना पॉसिबल होता नहीं है तो लोगों ने बोला सर ऑडिट के अंदर आप बोल रहे हो कि हम क्लाइंट प्लेस पे जाते हैं और उनके सारे सीक्रेट्स देखते हैं हम लोग ऑडिट को सारे सीक्रेट पता चल जाएंगे ये माल कहाँ से खरीद रहा है इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है इसका बिजनेस सीक्रेट क्या है ये सब कुछ पता चल जाएगा किसको माल बेचता है क्या टर्म्स एंड कंडीशन में बेचता है इसका पूरा मॉडस ऑपरेंडी कैसा है धंधा पूरा समझ जाएगा पूरा धंधा समझ जाएगा तो बिजनेसमैन को तो बहुत लॉस है कौन सा बिजनेसमैन मानेगा बिल्कुल आप सच सोच रहे हो ऑडिटर जब धंधे में जाता है वहां पे चीजों को देखता है उसको बहुत सारे बिजनेस सीक्रेट्स मिलते हैं बहुत सारे बिजनेस सीक्रेट्स अगर धंधे में सौ बिजनेस सीक्रेट्स होंगे ऑडिटर के पास में अस्सी बिजनेस सीक्रेट्स आ जाते हैं बीस नहीं आ पाते कुछ कुछ चीजों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है फॉर एग्जाम्पल एग्जैक्टली exactly वो क्या फॉर्मूला है केमिकल बनाने का उसकी हमको ऑडिट करने में जरूरत नहीं होती और हम समझते भी नहीं है एग्जैक्टली exactly, मशीन की क्या सेटिंग है हमको समझती नहीं है तो बहुत सारे 20 परसेंट बिजनेस सीक्रेट पता नहीं चलते होंगे लेकिन 80 परसेंट बिजनेस सीक्रेट पता चलते और मैं बताता हूँ ये बिजनेस सीक्रेट्स ही चार्ट अकाउंटेंट कोर्स को और सी को अनबिलीएबली स्ट्रॉन्ग और एक्सेप्शनल बनाते हैं हम जो इतने नॉलेजेबल होते हैं इतने बड़े एडवाइजर बनते हैं बड़े बड़े बिजनेस के साथ जुड़ते हैं बिकॉज वी कम टू नो अबाउट द बिजनेस सीक्रेट्स इसलिए कोई अगर सोच रहा है कि आर्टिकलशिप डमी करे तो बिल्कुल भी मत सोचो उसके बारे में और अगर आप ऑडिट में जाके आपने सिर्फ वाउचर चेक किए तो क्या किया आपको सिर्फ एक काम करना जाके क्या समझना है बिजनेस कि ये पैसा कैसे बनाता है हाउ कम इज अर्निंग मच मोर देन अदर्स उ कम हिस्स सेल्स आर मच हायर देन अदर्स हाउ कम हिस्स प्रॉफिट आर सो हाई हाउ कम सो मच इत के इत के बड़े बड़े प्लान कैसे वो आपको समझना है वो आपने समझ लिया यू आर विनिंग द वर्ल्ड अब मैं आपको बता दू हम लोग देखेंगे हमारा आखिरी चैप्टर चैप्टर नंबर इलेवन एथिक्स का और बीच में और जगह रेफरेंस आता रहेगा फंडामेंटल प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंशियलिटी ऐसे 200 हंड्रेड एथिक्स सब जगह पे लिखा हुआ है अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नॉट ब्रीच कॉन्फिडेंशियलिटी वह क्लाइंट के अंदर की बातें सीक्रेट बातें किसी को बता नहीं सकता है स्टैंडर्ड तो नोटिंग में भी लिखा है सीए एक्ट में भी लिखा है अगर गलती से भी आप ये कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच करते हो तो पकड़ के धोया जाएगा आपको पनिश किया जाएगा तो आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है लेकिन आप किसी को बता नहीं सकते लेकिन इसको यूज कर सकते हो अगर सी ए फॉर्म्स में से सौ में से अगर सौ सी ए फॉर्म्स करोड़पति बने उसमें से आप मान के चलो पचास साठ परसेंट सही में प्रैक्टिस की वजह से बड़े होंगे चालीस परसेंट बिजनेस सीक्रेट्स की वजह से बने फोर्टी परसेंट बिकॉज ऑफ बिजनेस सीक्रेट्स उनको जैसे ही बिजनेस सीक्रेट पता चलते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पैसा लोग रियल एस्टेट से कमाते डू डी अग्री मी यस नो चार्ड अकाउंटेंट इज द पर्सन हु नोज अबाउट इट सबसे पहले जब मार्केट में डील होना शुरू होते हैं प्रॉफिट आना शुरू होता है तो कैपिटल गेन के लोग किसके पास आते हैं चार्ड अकाउंटेंट के पास सबसे पहले उसको समझता है कि कौन से एरिया में डील्स हो रहे हैं क्या रेट पे डील्स हो रहे हैं कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है सबसे पहले उसको पता चलता है पूरा गेम इंफॉर्मेशन का है पूरा गेम इन्फॉर्मेशन का है पूरा नॉलेज का है लोगों को एक दो साल के बाद पता चलेगा चार्ड अकाउंटेंट को पहले पता चल जाता है वो किसी को शेयर नहीं कर सकता, लेकिन वो एक काम कर सकता है वो जनरली क्लाइंट को ऑफर देता है तेरे धंधे में मेरा भी पैसा लगा दे अपन साथ में मिलके कुछ करते मेरे वाइफ के नाम पे, भाई बहन हस्बैंड के नाम के इसके उसके नाम पे धंधा शुरू करते क्योंकि प्रैक्टिस वाला बंदा सिर्फ प्रैक्टिस कर सकता है धंधा नहीं कर सकता फाइनल में पढ़ेंगे तो बराबर उसके नाम पे धंधा शुरू करते और जम के पैसा कमाते ये जो इंफॉर्मेशन हमको मिलती है हमारी स्ट्रेंथ बट यू शुड यूज इट एथिकली आप किसी को बता नहीं सकते बट देन आपको यूज करके इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप अच्छे डिसीजन ले सकते हो करेक्ट गाइज सो आर्टिकलशिप इज गोइंग टू बी अ बिग ऐसी मतलब लोग मरते हैं MBA वाले इंटर्नशिप के लिए सुना है आपने एमबीए में क्या होती है इंटर्नशिप इंटर्नशिप होती है और उसमें दो तीन महीने के लिए हम तो दो साल और दो साल एक धंधे पे नहीं अलग अलग बिजनेस पे हम रहते हैं। अगर यही है पूरा गेम एटीट्यूड का है कुछ मैं देखता हूँ आर्टिकल्स को रोते ही रहते क्रिब। यहाँ पे सैंडविच अच्छा नहीं मिलता यहाँ पे एसी अच्छा नहीं है यहाँ पे माहौल भी नहीं है कुछ माहौल चाहिए लोग को वहां पर को प्लांट में कौन सा माहौल दिखेगा हरियाली चाहिए भूसा है यहाँ पे हरियाली चाहिए एनएसपी चाहिए बोले। ध्यान देंगे, देखो कन्याओं को फुल फॉर्म ज़्यादा पता है, लड़के बोल रहे क्या रहता और कुछ रहते माहौल आर्टिकल्स मस्त मौला एकदम मस्त मौला आर्टिकल रहते जो सारी चीजें नोट करते रहते पता चलता रहता उनको अपने बापू को बताते थे, थे भाई जो तो धंधा कर रहे हैं अरे इसमें बहुत पैसा ऐसा कर ले जिनके दिमाग में सिर्फ क्या चल रहा है बिजनेस वहीं पे दो बंदे हैं एक रोए जा रहे हैं एक रोए जा रहा है और एक मुस्कुराए जा रहे हैं वो आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है तो कॉन्फिडेंशलिटी क्लॉज है इसलिए बिजनेस कम्युनिटी हमारे ऊपर ट्रस्ट करती है तो हम भी उनका ट्रस्ट मेंटेन करते बताते नहीं किसी को लेकिन इसको बराबर यूज़ कर लेते तो आपके डाउट बिल्कुल सही है चलिए किसी के मन में कोई डाउट है हम लोगों ने इनिशियल कुछ बातें की अभी ऑनलाइन वाले भी ठीक है चलिए फटाफट रिवाइज करेंगे दो तरह के ऑडिट होते कौन से इंटरनल एंड एक्सटर्नल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या ऑडिट का अरे अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है टू गिव ओपिनियन एंड फेयर व्यू वो डॉक्यूमेंट जो आपको बताया ऑडिट कैसे करना है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग दो सौ दो सौ किसके लिए बेसिक प्रिंसिपल तीन सौ चार सौ प्लानिंग 500 सौ ऑडिट एविडेंस छ सौ यूजिंग वर्क ऑफ अदर दूसरों की मत लेना सात सौ रिपोर्टिंग आठ सौ स्पेशलाइज एरिया पहला फेज इनिशियल फेज फिर प्लानिंग उसके बाद एग्जीक्यूशन उसके बाद रिपोर्टिंग उसके बाद अदर फिर हमने पढ़ा ऐसे 500 हंड्रेड ऐसे 500 में रोल ऑफ ऑडिट एविडेंस पहले क्या समझाओगे फ्लो उसके बाद में ऐसे 500 दो तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर रिकॉर्ड्स या अदर इंफॉर्मेशन टाइप्स ऑफ ऑइट एविडेंस नेचर के हिसाब से विजुअल ओरल डॉक्यूमेंट्री रिलायबिलिटी के हिसाब से सेंक्लिजिव सोर्स के हिसाब से इंटरनल एंड एक्सटर्नल फिर एविडेंस मैच होता कि नहीं उसके हिसाब से कोराबोरेटिव और कॉन्ट्राडिक्टरी फिर हमने गुणगान किया अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का उसमें बस एक बात बता दो एग्जामिन करने के तीन तरीके थे पहले तो डॉक्यूमेंट मिला उसको क्या कर लो रीपरफॉर्म कर लो रीजनरेट कर लो फिर रिकनसाइल कर लो फिर एनालाइज कर लो फिर यहां से आगे बढ़ते मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग ऑडिट एविडेंस फैक्ट्री देखी ऑब्जर्वेशन फाइल ली पूछताछ की कैलकुलेटर लिया पीसी पे बैठे ग्राफ बनाया बाहर वाले को बोला लिख कर दे एक्सटर्नल कंफर्मेशन किसी भी ऑडिट में सबसे पहले प्रोसीजर कौन सी होती है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पहले जाके हम देखते कहां कहां पे गलती हो सकती है दैट इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर बहुत आसान शब्दों में उसका मतलब क्या है कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन ऑप्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग रिस्क दो लेवल पे निकलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल जब उनको पता चल जाए यहां पे गलती होने वाली है मैनेजमेंट को बुलाते बता तेरा सिस्टम कहा है तेरा सिस्टम क्या है सिस्टम चेक करना चाहता हूं क्या बोलते उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स तेरा सिस्टम चेक करना क्या बोलते उसको टेस्ट ऑफ कंट्रोल उसके बाद में एक्चुअल फाइनेंशियल आइटम को चेक करना चाहता हूं क्या बोलते उसको सब्सटेंटिव प्रोसीजर पहला तरीका एयर कंडीशन चेंबर में बैठ के सिर्फ कंपैरिजन कंपैरिजन खेलो क्या है वो एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्योंकि टेस्ट ऑफ डिटेल्स करेक्ट फिर हमने बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट देखा था किसका असरशन का ये सारे कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप किए ताकि ऑडिट प्रोसेस कैसा बने एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कम से कम समय में कम से कम समय में हम ज्यादा से ज्यादा गलतियों को पकड़ पाए सच्चाई को बाहर निकाल पाए इसके लिए बनाए कभी भी आप सोचो कि ये सब क्यों बनाया है जस्ट टू मेक यू गाइज मोर इफिशियंट एंड इफेक्टिव ज्यादा से ज्यादा इफिशियंट एंड इफेक्टिव अगर आपको याद आ रहा है करेक्ट मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू जितनी भी जानकारी देता है वो अल्टीमेटली क्या है असरशंस अल्टीमेटली क्या है असरशन लेकिन थोड़ा स्पेसिफिक मीनिंग में जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से तीन तरह का डेटा मिलता है कौन सा टी सब जवाब देंगे कौन सा टी बी डी टी फॉर ट्रांजेक्शन बी फॉर बैलेंसेस डी फॉर डिस्कलोजर ट्रांजेक्शन में क्या आता है इनकम एक्सपेंसेस कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज बैलेंसेस में क्या आता है एसेट्स एंड लाइबिलिटी डिस्कलोजर में क्या आता है नोट्स टू अकाउंट्स हमने एग्जाम्पल लिया था बैलेंस में लैन एंड बिल्डिंग सौ करोड़ का है चार असर्शन डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैनेजमेंट कितनी चीजें बोल रहे हमको चार लिखा है मतलब असली है लिखा है मतलब असली है क्या एग्जिस्टेंस एक भी चीज छूटी नहीं है अमाउंट एक नंबर है सही है लिखा है मतलब मैं मालिक हूं कितने असरशन है चार अगर चार असर्शन सही है तो फाइनेंशियल डेटा सही है ये चेक कर लो तुमको मटेरियल मिस्टेटमेंट मिल जाएगा असर्शन चेक कर तुमको क्या मिल जाएगा मटेरियल मिस्टेटमेंट कॉपी पेस्ट था वैसे ही ट्रांजेक्शन में क्या एग्जाम्पल था सेल्स कितने करोड़ के हजार करोड़ के हजार करोड़ के सेल्स है हजार करोड़ के सेल्स है डायरेक्ट क्यों क्या बोल रहे है? असली है क्या बोलेंगे आक्रंस एग्जिस्टेंस को मैच करता है क्या आक्रंस फिर कुछ भी छूटा नहीं है कंप्लीटनेस अमाउंट सही है एक्यूरेसी कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू सही है रेवेन्यू में भी रेवेन्यू में भी बिजनेस सही है अकाउंट सही है दैट इज क्लासिफिकेशन इस साल का अगले साल नहीं गया अगले साल का इस साल नहीं आया आखिरी डेट को बराबर फॉलो किया दैट इज कट ऑफ वहां पे चार असर्शन थे यहां पे कितने पांच रिस्क को असेस किया जाता है कौन से लेवल पे असर्शन लेवल पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया जाती कौन से लेवल पे असर्शन लेवल पे एविडेंस इकट्ठा किया जाता है कौन से लेवल पे असर्शन लेवल पे कंक्लूजन ड्रॉ करते कौन से लेवल पे असर्शन लेवल पे असर्शन सही होगा तो फाइनेंशियल आइटम सही होगा अरे यस नो ये बेसिक्स है कितने बार भी रिपोर्ट करो चलेगा और मैं आपको फिर बता रहा हूं ये सब टेक्निकल लैंग्वेज आएगी पहले सब्जेक्ट को फील कर लो एंड इट इज आर्ट अगर आप महसूस करने लग गए समझने लग गए थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखने लग गए टेक्निकल लैंग्वेज अपने आप आएगी और खुल के जियो इस सब्जेक्ट को जो मन में आता है वो लिखो थेरी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है डरो नहीं घबराओ नहीं लेकिन लिखना बहुत जरूरी है भाई लिखना बहुत ज़रूरी है आपको लिखना पड़ेगा यू विल हैव टू राइट मोर एंड मोर देखो मैं आपको आता हूँ जब मैंने टीचिंग शुरू की थी तो मैं सुबह साढ़े छः बजे शुरू करता था रात को साढ़े नौ बजे तक तब बैचलर भी था क्योंकि मेरे दिमाग में एक क्लियर था जितना मैं पढ़ाऊंगा जितना पढ़ाऊंगा जितना बच्चों से इंटरेक्ट करूंगा उतना मेरे को मजा आएगा उतना फ्लो मिलता जाएगा और मैं रूटीन में रहूंगा आपके लिए भी सेम है आपको अल्टीमेटली तीन घंटे बैठ के लिखना है जितना राइटिंग प्रैक्टिस और स्ट्रेस लेके मत करो खुद को बंदिशों में मत बांधो कंडीशन मत डालो बस लिखो जितना लिख सकते उतना लिखते जाओ जितना आप लिखेंगे मजा आएगा ठीक है और मजा सबको आना चाहिए राहुल भाई बोलते ना अपना मजा आना चाहिए लेकिन बेचारों को आ ही नहीं रहा ठीक है नाउ फिर वहां से हम आगे बढ़े हम लोग आगे बढ़े इंस्पेक्शन पे किस पे बढ़े इंस्पेक्शन इंस्पेक्शन मतलब दो चीजों को चेक करना कौन से या तो डॉक्यूमेंट्स या तो डॉक्यूमेंट या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ दी एसेट्स जब हम केयरफुली एग्जामिन करते किसको डॉक्यूमेंट्स को रिकॉर्ड्स को या फिर एसेट्स को फिजिकली वेरीफाई करते उसको हम क्या बोल सकते हैं इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट कैन बी इंटरनल और इट कैन बी एक्सटर्नल ठीक है इट कैन बी ऑन पेपर फॉर्म इट कैन बी ऑन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और एनी अदर फॉर्म रिलायबिलिटी डिपेंड करती है किस पे डॉक्यूमेंट कितना रिलायबल है जितना डॉक्यूमेंट रिलायबल होगा उतना एविडेंस हमको रिलायबल मिलेगा क्या हम लोग इंस्पेक्शन को यूज कर सकते टेस्ट ऑफ कंट्रोल में येस yes. देखो आप अगर थोड़ा समझोगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल में भी हम चीज़ों को एग्जामिन कर रहे हैं और सबस्टैंड प्रोसेस में भी हम चीज़ों को एग्जामिन कर रहे हैं सिर्फ इंटेंशन अलग है सिर्फ इंटेंशन अलग है टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ये जानना चाहते हैं कि कंट्रोल बराबर चल रहा कि नहीं चल रहा और सबस्टैंड प्रोसीजर में यह जानना चाहते हैं कि बराबर है नहीं।, नहीं है in नहीं। yes. in yes. नहीं। yes. जब मैं किसी डॉक्यूमेंट को लेता और देखता हूँ सिग्नेचर स्टैंप है कि नहीं ऑथराइजेशन है कि नहीं मतलब सिस्टम बराबर चल रहा कि नहीं चल रहा मतलब मैं इंस्पेक्शन को यूज कर रहा हूं मतलब मैं इंस्पेक्शन को यूज कर रहा हूं किस चीज के लिए यूज कर रहा हूं टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए अरे टेस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए जैसे कैलकुलेटर है कैलकुलेटर यू कैन यूज इन अकाउंटिंग ऑल्सो एंड यू कैन यूज इन कॉस्टिंग ऑल्सो एंड यू कैन यूज इन एफ एम ऑल्सो एंड जी एस टी ऑल्सो तो ये आपके मेथड ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस आपके टूल्स है या तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के लिए यूज कर ले या तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स में यूज कर ले फिर हमने देखा था क्या मैं इंस्पेक्शन को टेस्ट ऑफ डिटेल्स में यूज कर सकता हूँ अरे यस नो yes. यस नो

इधर भावना है इसमें सिचुएशन है सरकमस्टांसेस है वी लिव इन द वर्ल्ड और यहाँ पे बहुत ज़्यादा डायनेमिक सिचुएशन है डायनेमिक सिचुएशन से चलना पड़ता है तो कॉमर्स के अंदर जनरली रहता हर जगह अरे यस नो हो सकता है कि वहां पर कोई सर्टिफिकेट दिया हो जहाँ पे कंपनी का नाम लिखा हो तो हमको साथ में एविडेंस मिल जाए किसका ओनरशिप का भी मिल जाए लेकिन जनरली मिलता no. नहीं है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मतलब आपके शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स

हो सकता है कि ओनरशिप के बारे में पता ना चले चल भी सकता है कभी 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 शेयर शेयर सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट के पीछे पीछे ओनरशिप लिखी होती है लेकिन आपने देखा कि बहुत पुरानी ओनरशिप अपडेटेड है दो तीन चार पांच छह साल पहले की तो हो सकता है वहां से आपको ना मिले फिर और एक था सेल्स कॉन्ट्रैक्ट को इंस्पेक्ट करते किसको सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बड़ी प्यारी चीज है सेल्स कॉन्ट्रैक्ट को समझोगे तो आपको समझेगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी कैसी होनी चाहिए पॉलिसी बराबर है कि नहीं है अकाउंटिंग पॉलिसी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना कितने अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करना कौन से अकाउंट में रिकॉग्नाइज करना सब है एग्जाम्पल याद है कि पचास लाख का पैंतीस लाख की पचास लाख की मशीन भी थी कितनी पचास उसमें से पैंतीस लाख का कहा जाएगा सेल्स उसमें से पांच लाख कहा जाएगा इंटरेस्ट और उसमें दस लाख कहा जाएगा मेंटेनेंस रेवेन्यू कौन सा रेवेन्यू मेंटेनेंस रेवेन्यू अकाउंटिंग पॉलिसी है सेल्स कॉन्ट्रैक्ट जो होनार बुद्धिमान शक्तिमान जो चार्ट अकाउंटेंट्स होते हैं जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं वो समझते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होनी चाहिए लोग बराबर अकाउंटिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे मैं आपको बता रहा हूं आप लोगों को बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने पड़ेंगे ए yes, एस हो गया आप लोग का यस नो लीजेस मजा कि नहीं दिमाग कि नहीं एने दिमाग घुमाए मजा आना चाहिए यू शुड रियलाइज भाई तो अपने को आई रिमेम्बर फर्स्ट वीक ऑफ आर्टिकलशिप मेरे को लीज कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बोले इसको रीड कर और पता लगा इज इट इज इट अ फाइनेंस लीज और इज इट ऑपरेटिंग लीज कितनी कंडीशन है पांच बराबर जय सर की जनता है ना पॉपकॉर्न जैसे फूट फूट के निकलेंगे लेकिन बता रहा प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन है तो फिर अपन ने भाई चलो पढ़ना शुरू करो कहाँ कहाँ पे इम्पॉर्ट क्लॉजेस है वो पांच चीज़ें दिख रही क्या और बराबर फाइनेंस लीज निकला बराबर फाइनेंस लीज़ निकला और फिर उसका अकाउंटिंग करना पड़ता उसमें हम नहीं जाएंगे अभी बाकी लीज़ बहुत प्यारी चीज़ है दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टूल बना था वो बना था फाइनेंस लीज़ उस पर चर्चा करेंगे कभी और फिर इंस्पेक्शन था इंस्पेक्शन के बाद में अगला नोट क्या था इंक्वायरी अरे अगला नोट क्या था इंक्वायरी कल का डीपी क्यू भी किसपे था इंक्वायरी क्या घबराना उसमें जो मन में आए वो छापने का बिंदास छापने का लिखो करेक्ट मतलब मैं सोचता हूँ और क्या कर सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए कि मैं डीपी क्यू भी चेक करके मिल रहा है सिर्फ लिख ले यार बिंदास लिख ले जो मन म्या लिख दे आई लव यू लिख दे सामने वाले करेक्ट मुझे बोर हो रहा था कुछ करने को नहीं था सोचा लिख दूँ ना लिसन एंड यू विल थैंक मी सही बता रहा आपको यही करना ज़रूरी है अभी सोशल मीडिया पे एक रील थी तो एक कोई कंटेंट क्रिएटर थी तो बोल रहे थे बोले कंटेंट क्रिएशन के लिए क्या करना चाहिए बोले बोलना शुरू करो बक बक करना शुरू करो जितना बक बक करना शुरू करो कैमरे के, के सामने अपने आप कॉन्टेंट बनता जाएगा बस वही अपने पढ़ाई में इतना तो आसान है बस छापना शुरू करो इंक्वायरी चलिए डेफिनेशन बताइए इंक्वायरी सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन इट कैन बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल विद इन एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी रिटर्न और नाउ इंक्वायरी करने से मिलता क्या है? रिस्पॉन्सेज वी हैव टू इवेल्युएट स्टडी दोज रिस्पॉन्सेज तीन तरह की चीजें हो सकती है कौन सी यू मे गेट ए न्यू इन्फॉर्मेशन ऑल टूगेदर जो आपको पता नहीं थी और कोराबरेटिव यू में गेट ए इंफॉर्मेशन विच मैचेस विद एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन वो कौन सी इंफॉर्मेशन कोराबरेटिव या फिर यू मे गेट ए इंफॉर्मेशन विच डिस्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन ऐसा हो सकता है फिर अगर आपको एक चीज चेक करनी है उसके लिए इंक्वायरी बड़े काम कीजिए कौन सी मैनेजमेंट का इंटेंशन इंक्वायरी करो इंटेंशन के बारे में बताएगा तुमको लेकिन जो भी मैनेजमेंट बताएगा उस पर उस पर तुमको ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना है यू डोंट हैव टू गो फॉर ब्लाइंड रिलायंस ब्लाइंड रिलायंस नहीं करना है उसको किससे मैच करना है हिस्ट्री से पास्ट हिस्ट्री यू शुड मैच दिज रिस्पॉन्सेज विद पास हिस्टोरिकल डेटा वेदर दे विल कंटिन्यू टू डू द सेम थिंग विच दे आर से नाउ मैं बताता तो हूँ ये प्रॉब्लम है जो एक पॉइंट को ड्राफ्ट करना होता है ना हमारी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं है यहाँ दिक्कत है यहाँ दिक्कत है कि हमारी ड्राफ्ट पता है लेकिन मैं कोई बता दूँ कोबरेटिव इंफॉर्मेशन को तू एक्सप्लेन कर दे एक बार वहाँ पे अटक जाते हैं इसलिए लिखना जरूरी है वो तुम्हारा जो मेंटल ब्लॉक है अटकने का जो हिचकिचाते वो निकलना जरूरी है तो हिस्टोरिकल डेटा से मैच करो फिर व्हाट आर द करंट रीजन फॉर यूजिंग दिस पर्टिकुलर पॉलिसी फॉर डिसाइडिंग दिस पर्टिकुलर इंटेंशन आपका करंट रीजन क्या है और फिर उसके बाद में फ्यूचर एबिलिटी आगे आप इसको कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे और आपको बता रहे है, अगर आप चाहो तो क्या ले सकते हो डब्ल्यू आर लिखा था रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट साल भर जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करता है इंटेंशन बताता है जो भी बातें बताता है आप एक काम करो आखिरी में लिटरेट पे लिख कर ले लो ऐसा सब कुछ उसको बोलते रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बड़ी प्यारी चीज़ है सबसे बड़ा कवच है हमारे लिए वो फॉर एग्जाम्पल एक स्क्रैप था हमने बोला कितना कितने का स्क्रैप है बोले साहब एक लाख रुपए का स्क्रैप है कहाँ दिमाग लगा रहे हो भाई हमको जितना नॉलेज था हमने देखा हाँ यार छोटा मोटा स्क्रैप दिख रहा है एक लाख का होगा एक्सपर्ट को लगाने जाएंगे तो उसकी पाँच लाख की फीस है लगाओगे क्या नहीं कल जाके पता चला कि वो स्क्रैप पचास लाख का था तो हमको तो उसने क्यूट बना दिया बहुत बड़ा आ? उसने तो हमारी हालत टाइट कर दी लेकिन कोर्ट ऑफ लॉ में हम बोलेंगे कि एस पर देर, मैंने और के प्रिंसिपल्स को यूज किया और मैंने ये डिसीजन लिया कि मुझे इसको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है और मैंने उससे लिख कर लिया और ये मैनेजमेंट के लोगों ने मेरे को भरोसा दिलाया विश्वास दिलाया सीएओ खुद मेरे को साइन करके दिया कि ये स्क्रैप कितने लाख का है एक, एक लाख का है तुमको अगर किसी को जेल में डालना है तो पहले किसको डालो सीईओ को उसको जेल में डालो उसको जो पनिश करना है करो मेरे ऊपर बाद में आना बताऊंगा कि स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग के प्रिंसिपल्स के हिसाब से मैंने हर कदम उठाया है आप मेरे को जेल में डाल नहीं सकते ऐसे भी ऑडिट में कौन सा अश्योरेंस होता है रीजनेबल लेवल कौन सा अश्योरेंस रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस मतलब कौन सा हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस मतलब कितना 80 परसेंट लेवल ऑफ एश्योरेंस 20 परसेंट की गारंटी तो कोई लेता भी नहीं है और वो पॉसिबल भी नहीं है तो भैया इतना ही मिलता इतने में तो इतने में तो इतना ही मिलता ना ऐसे छोटा तुमको अगर नहीं जमता होगा तो फिर ऑडिट फीस को तुम दस गुना कर दो मैं एक ही क्लाइंट पर बैठेगा और एक नंबर ऑडिट करेगा और दो साल बाद रिपोर्ट दूंगा तुमको चाहिए तो वो क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है तो हम लोगों को बीच का रास्ता निकालना पड़ता है प्रैक्टिकल लाइफ चलती है ऐसे आइडियल चीजें पॉसिबल नहीं है तो एक बीच का रास्ता निकालना पड़ता और उसमें चलना पड़ता अरे आर यू गेटिंग दिस पॉइंट नाउ लिसन आइए हाँ बीच में इलेक्ट्रॉनिक वगैरह भी था बीच में आपका इलेक्ट्रॉनिक था वो भी हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मुझे बताएंगे क्या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक चीजों की वजह से क्या प्रॉब्लम है एविडेंस पूरे क्या हो चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक ऊपर से एट अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम ऊपर से एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम इन सब चीजों के वजह से चैलेंजेस आ गए तो इसको सॉल्व करने कितने सॉल्यूशन है दो पहला सॉल्यूशन क्या है रिटेंशन और बैकअप बैकअप के लिए जाइए क्लाइंट को बोले भाई साहब बैकअप लेकर रख मैं जब आऊंगा तो बैकअप से चेक करूंगा दूसरा जब वो प्रोसेस हो रही है जब वो एविडेंस जनरेट हो रहा है तब मैं वहां पे पहुंच जाऊं और वहां पे पहुंच के मैं चेकिंग कर लू करेक्ट सफिशियंट एंड अप्रोप्रियट अब मैं चाह रहा थो थोड़ा सा ऐसे का फ्लो दे समझो हमने शुरुआत की थी वॉट डू मीन बाय ऑडिट एविडेंस रोल ऑफ ऑडिट एविडेंस वॉट डू मीन बाय ऑडिट एविडेंस टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस एविडेंस इकट्ठा करने के तरीके उस पर हम कहते हैं अब आखिरी का जो फ्लो है स्टैंडर्ड का पूरा एक दो ही वर्ड पे है सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट अगर आपको देखा अगर आपको याद होगा तो हमने शॉर्ट नोट भी देखा किसका सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट सफिशियंट मतलब क्या सबूत हो तो कैसा हो सफिशंट एंड अप्रोप्रिएट सफिशियंट मतलब क्या क्वांटिटी अप्रोप्रियट मतलब क्या क्वालिटी क्वालिटी मतलब दो चीजें सबूत कैसा होना चाहिए रिलायबल और रेलेवेंट क्वांटिटी का मतलब क्या था वेराइटी ऑफ सारे वेराइटी ऑफ आइटम कवर होने चाहिए और वराइटी ऑफ एविडेंस होना चाहिए कमी पड़नी नहीं चाहिए अप्रोप्रिएट की अगर हम लोग बात करते क्या था रिलायबल एंड रेलेवेंट क्वालिटी फिर हमने बोला था सब ऐसे इसी के नाम से रोते बोले ऐसे दो बोलता है तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या क्या देना ओपिनियन अरे क्या देना ओपिनियन

कि जो एविडेंस तुमको मिले कैसा मिले सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट पांच सौ तो बोलता ही है कि आपका एविडेंस कैसा होना चाहिए अरे कैसा होना चाहिए सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट देखो ये सब्जेक्ट का लोड मत लो मैं कुछ बच्चों के दिमाग से चेहरे पे से टेंशन देखता हूँ ऐसा लगता है कि दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड डेस्परेट है वो लोग बहुत ही ट्राई हार्ड कर रहे हैं कि मैं अभी के अभी रट लू क्लास के क्लास में मैं रट लूँ एज इट इज रटलू ठीक है आपको ऑनेस्टली बताता हूँ सी ए मैंने सी ए की जर्नी मैंने जी उसके बाद इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ इससे रिजल्ट नहीं निकलता खुल के जीने से रिजल्ट निकलने वाला है बिंदास रहने से रिजल्ट निकलने वाला हूँ मैं आपको बताऊँ बैक बेंचर्स सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाले चिल्लम चोट करने वाले हर बात पर कमेंट पास करने वाले ये पास होते सबसे पहले क्लास में इन्वॉल्व रहते एंगेज रहते अरे तुरे सर से बात करते रहते कुछ भी डाउट पूछते रहते और डरते नहीं है लोग निडर रहते निडर रहते ऐसे बच्चे रहते पढ़ते पाँच लिखते दस जय माता दी बोल के पूछेगा तो इंग्लिश में ही ना पूछेगा तो इंग्लिश में ये एग्जाम में आए तो इनकी फटती नहीं ये फाड़ गया आते पढ़ साले तू कितना पढ़ सकता अब मैं लिख के आ रहा हूं और बेचारे कभी भी बुरा लगता मेरे को दूसरी जो कैटेगरी है ये बहुत डरती रहती है एंड एवरी वन देयर देअर ओन रीजन्स ये बहुत खुद पे प्रेशर डाल देती खुद पे बहुत प्रेशर डाल देते और मेरे को तो करना ही पड़ेगा मेरे को इतना प्रेशर डालते घर का प्रेशर पर्सनल प्रेशर उसका प्रेशर ठीक है बराबर तेरे को देख के कोई मिल ही नहीं के <laughs> <laughs> अब तू इतना चिकना है बोले चिकने से क्या करना है चिकने तो हम भी बोले न लेसन तो मेरे को सिर्फ बुरा इससे लगता है कि ये बच्चे बहुत पढ़ते बेचारे बहुत स्ट्रेस लेते लेकिन ये पढ़ते दस और एग्जाम में लिखते पाँच देखो एक गुरु मंत्र आज ही बीच में तो लेकिन बहुत ज़रूरी मैं कल शायद बताया था मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मोटिवेशन का प्रॉब्लम यह है कि खुद को कम समझना पड़ता मोटिवेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसमें खुद को कम समझना पड़ता है खुद को कि भाई मुझे इम्प्रूव करना है मुझे अच्छा बनना है इस चक्कर में हम खुद को डाउनग्रेड मार देते डाउनग्रेड आर सेल्स ये मेरे को अच्छा ही लगता मैं बोलता हूं आज से तुमने बोलना चाहिए बॉस यू आर वन ऑफ द बेस्ट अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए तोड़फोड़ करने के लिए तो सारी खूबियां तुम्हारे अंदर है यू आर वन ऑफ द बेस्ट बॉस कॉन्फिडेंस इज अ वेरी गुड थिंग जब तक आप टाइम वेस्ट नहीं करते हो आदमी ने खुद को बाप समझने का भैया मेरे को तो सब कुछ आता है तू तेरा देख ले मेरी पढ़ाई जैसे स्पीड में चल रही चल रही मैं तो अच्छा करने वाला हूँ तेरे को जो करना है कर खुद को बेस्ट समझना जरूरी है दूसरा खुद को बोलना है आई एंजॉय माई टाइम एंड यूज़ माई टाइम प्रॉपरली मैं टाइम को अच्छे यूज करने वालों में से हूँ आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड आई कीप एन्जॉइंग बीस फॉर बेस्ट T is for time, H is for happy. Back of the mind चलना चाहिए मैं एक नंबर आदमी हूँ I am best। मैं time को अच्छे से use करता हूँ और मैं खुश रहता हूँ बी टी एच बी टी एच दिमाग में चलना चाहिए और आदमी ने अपने समय को अच्छे से यूज़ करना चाहिए मैं बता रहा हूँ दस पढ़ो साले को पच्चीस लिख कर आओ। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है तुम अल्फा मेल या फीमेल हो कि नहीं ये डिपेंड करता है किस पे कॉन्फिडेंस पे इसलिए मर मर के जीना बहुत खुद को कम समझ के जीना खुद को गधा समझ के जीना गिल्ट में जीना मैंने ग्रुप वन की पढ़ाई अच्छे से नहीं की अब मैं रात भर नहीं सोऊंगा अरे झंड और यही पे दूसरा रहता एक नंबर जब तक पढ़ाई होती पढ़ाई करूंगा फिर सोऊंगा सुबह उठ के जो जमा जब करूंगा गाइज प्लीज बिकम अल्फा मेल एंड फीमेल एज द केस मे बी मरमर के जीने में कोई मतलब नहीं।, नहीं है आइए ना लिसन आइए यह आखिरी चीज देखी थी हम लोगों ने सफिशियंट अप्रोप्रियट ध्यान देंगे अब अगर आप देखोगे चैप्टर का फ्लो बता रहा हूं बच्चे में सैंड का फ्लो हम पहले बग बग करेंगे सफिशियंट पे किस पे सफिशियंट पे फिर अप्रोप्रियट की दो चीजें थी कौन सी रिलायबल और रेलेवेंट उस पर हम लोग बात करेंगे और फिर छोटी छोटी कुछ मिसलिनियस चीजें उसके ऊपर ना लिसन ध्यान दीजिए कल पढ़ा था अगर आपको याद होगा तो बैंक ऑडिट का एग्जाम्पल था अरे याद है क्या अगर आपको ऑडिट के दौरान बहुत आपको ऑफर होता है आपको मिलता है हाई क्वालिटी एविडेंस कौन सा एविडेंस हाई क्वालिटी एविडेंस कैन यू अफोर्ड टू रिड्यूस द क्वांटिटी यस हाई क्वालिटी एविडेंस आपको मिलेगा तो आप बिल्कुल डेफिनेटली रिड्यूस करो क्या क्वांटिटी दिस विल ओनली मेक यू एफिशियंट एंड इफेक्टिव या आपको एफिशियंट बनाएगा इफेक्टिव बनाएगा वो जो टाइम बचेगा कहीं और लगाना उसको लेकिन उल्टा नहीं हो सकता कोई बोलेगा कि मैं तेरे को एकदम सिर्फ फोटो कॉपी देता बिना सिग्नेचर और स्टैम्प के कैन हाई क्वांटिटी, हाई क्वांटिटी विदाउट क्वालिटी कैन इट कॉम्पनसेट द क्वालिटी नो सिर्फ हाई क्वान्टिटी भर दो इट कैनॉट कॉम्पन्ट द क्वालिटी मार्क करके लखनऊ आना ही है एग्जाम में आना ही है ये एम सी क्यू में आना है केस स्टडी में आना है नहीं आया तो पैसे वापस प्रपोर्शनेटली और कौन सी एग्जाम में वो नहीं बोला मैंने मैंने बोला एग्जाम में आना है ध्यान देंगे ना लिसन सर कहां गिर क्या है हा? थिएटर में एनिमल देखने गए थे तो बन गया है तू एनिमल थिएटर में गिर गया भाई थिएटर में कौन गिरता है गाड़ी से गिर गया फिर मारा क्या हुआ फिश बम फिश बुण? ऐसा खुद को ही दूसरे को अच्छा भाई ये कुछ ज्यादा ही खुल के जी रहा है <laughs> इसको कंट्रोल करने की जरूरत है आज हाथ टूट गया कल किसी का मुंह टूट तोड़ जाएगा ध्यान <laughs> देंगे पे हम लोगों ने देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग ध्यान दीजिए क्या देखा था फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट सफिशियंसी क्वांटिटी कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है कौन से एरिया में एविडेंस कम रहेगा कौन से एरिया में एविडेंस ज्यादा रहेगा सी यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट सारे सरकम स्टडी करके आप आप एक दिन मैनेजर के रोल में रहोगे आप टीम की मीटिंग लोगे और आप एक लिस्ट बना के दोगे कि कौन से एरिया में एविडेंस ज्यादा चाहिए और कौन से एरिया में एविडेंस कम चाहिए तब आपको ये फैक्टर्स को महसूस करना पड़ेगा अप्लाई करना पड़ेगा और अपनी टीम को गाइड करना पड़ेगा तो एम क्वांटिटी पी ऐसे भी किस पर डिपेंड करती है एम एम सेंड फॉर मटेरियलिटी आइटम जितना ज्यादा क्या होगा मटेरियल इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट अमाउंट पे बड़ा नेचर में इंपॉर्टेंट उतना उसका एविडेंस ज्यादा फिर आर सेंड फॉर रिस्क रिस्क ऑफ मटेरियल मिस जिस एरिया में बड़ी बड़ी गलती होने के चांसेस है जितना ज्यादा रिस्क रहेगा उतना एविडेंस हम लोग ज्यादा इकट्ठा करेंगे पी सैंड फॉर पॉपुलेशन जितने आइटम ज्यादा होंगे जितने आइटम ज्यादा होंगे उतना एविडेंस हम ज्यादा कलेक्ट करेंगे उसमें भी पॉपुलेशन का नेचर पॉपुलेशन का नेचर दो हो सकते कौन सा होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस और एक जैसे आइटम है तो आपको सब चेक करने की जरूरत नहीं है थोड़े से चेक कर लो आपको सेम फील आ जाएगा तो एविडेंस कम हेट्रोजेनियस से बहुत वेराइटी ऑफ आइटम है तो एविडेंस ज्यादा ये बहुत सिंपल से प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजर तय करता है गाइड करता है अपने टीम को कि भाई इसके हिसाब से आपको चीज़ों को कम ज़्यादा करना पड़ेगा नाउ लिसन जनरली अपने चार्ट्स जनरली बोल रहा हूँ अपने चार्ट इस तरीके से होते हैं कि बस आप इसको ही समझा दो इट इज़ यहाँ पर भी इसको समझा दो इट विल बी मोर देन सफिशियंट लेकिन अब ध्यान दो इसलिए मैं कई कई पर रीड भी कराऊंगा यहाँ पर इतना शॉर्ट में लिखा है क्योंकि अगर आप सिर्फ चार्ट्स लेके चलो तो 200 पेज में पूरी पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा आपका 200 हंड्रेड पेजेस और मेरा ये मानना है मैं देखा है फोटोजेनिक मेमोरी बहुत स्ट्रांग होती है फोटोजेनिक मेमोरी इज़ वेरी स्ट्रांग कोई भी एक पुरानी मूवी रिकॉल करो कोई भी आपने ये गजनी देखी, सम देखी है सब सब देखिए गजनी यस नो करेक्ट अगर आपको आपने गजनी देखी है तो आमिर खान एक जैकेट पहने घूमता है पूरे मूवी में एक जैकेट पहनता है उसका कलर याद आता है क्या ग्रीन और ब्राउन के बीच में ऐसा याद आता है क्या भाई ये मूवी रिलीज हुई थी आज से 12-15 साल पहले लेकिन वो आपने वो भी कुछ समय के लिए देखा होगा फिर भी आपका अवर फोटोजेनिक मेमोरी सुपर स्ट्रांग जिसलिए आप जितना इमेजिन कर सकते हो उतना बहुत बढ़िया जितना आप ये चार्ट्स को दिमाग में रख सकते हो बराबर एग्जाम में आता है कि लेफ्ट साइड में समझाया था क्वांटिटी और क्वालिटी राइट साइड में समझाता एम आर पी वहां पे लाइन से लिखा था डायरेक्ट रिलेशनशिप नाउ लिसन ध्यान दीजिए अब जो बच्चा इस आंसर को डेढ़ दो पेज में लिख सकता है ये लिखने की कला है ये लिखने की कला है और अब देखो इन्होंने कैसे प्यारे तरीके इन और थेरी लिखने वाले ना कभी कभी एकदम येड़ा बनाते अब अगर आप देखोगे आओगे आइए अपन ये फैक्टर पे आते नीचे आइए फैक्टर पे देखो नाउ दिस इज वॉट यू आर सपोज टू लर्न फैक्टर में पहले उन्होंने मटेरियलिटी का मतलब बताया अगर किसी को आंसर लिखना था पहले किसका मतलब बताया मटेरियलिटी मटेरियलिटी में बी डिफाइंड एज सिग्निफिकेंस ऑफ क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस एंड एंड एंडस्कोड टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई भी ऐसी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है अमाउंट में बड़ी है सिग्निफिकेंट है ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर यूजर के लिए वो क्या है मटेरियलिटी कोई टेक्निकल डेफिनेशन भी नहीं दिए जो आप जनरली पढ़ते हो बचपन से पढ़े ना मटेरियलिटी की डेफिनेशन अभी मेरे को उस उसमें जाना नहीं है विच इंफ्लुएंस इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स उसमें वो डेफिनेशन भी यूज नहीं किए लेकिन आप आंसर लिखते तो आप ऐसा करते क्या क्या आप पहले उस फैक्टर का मतलब समझाते नाउ ये आर्ट होता है थेरी लिखने का जो धीरे धीरे आपने समझना चाहिए कि यार अगली बार से मैं कोई भी फैक्टर आता है तो पहले उसका मतलब समझाने की हम कोशिश करेंगे करेक्ट फिर रिलेशनशिप देखो घुमा फिरा के दो बार लिखा है लेस एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ असर्शन आर लेस मटेरियल टू यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि भाई अगर मर्टिलिटी कम है अरे मर्टिलिटी कम है तो एविडेंस कम लगेगा फिर उसको घुमा फिरा के फिर लिखते बट ऑन द अदर हैंड इफ आर मोर मटेरियल मोर मटेरियल टू द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मोर एविडेंस वुड बी रिक्वायर्ड अब ये तुमने एक बार देखा ऐसा अब तो मैं हर एक हर का एक जगह दो करेगा एक को लिखना एक एंग, डायरेक्ट एंगल से दूसरी वापस को दूसरे एंगल से लिखना लेंथ बढ़ गई दिस इज स्मार्टनेस दिस इज सुपर स्मार्टनेस कि मैं पहले बताएगा इसका मतलब क्या होता है फिर मैं बताऊंगा ऐसे से ऐसा होता है ऐसे से ऐसा होता आंसर का लेंथ बढ़ गया। अब कोई बोलेगा रटना शुरू तो मैं किधर जाके सर फोड़ू समझ में नहीं आएगा मेरे को <laughs> ऐसे नालायक आ भाई किसका करना है नारियल फोड़ना है फोड़ दे इधर ठीक है मैं कुछ बोला भी नहीं बोले ऐसे ही फोड़ रहे मेरा ध्यान देंगे ना लिसन अब यहाँ पे इसलिए मैंने कल बोला था कि अपने को रीड करना है यहाँ पे रिस्क के बारे में सुनो यहाँ पे रिस्क के कंपोनेंट्स दिए थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, अभी समय आने का है वहाँ पे उसको लेटर लिखो क्या होल्ड होल्ड पकड़ के रखो कॉल लिखवाता है ऐसा होल्ड शुभम सर होल्ड फिर श्रद्धानुसार लेटर होल्ड होल्ड लिख दो भाई अभी ट्रेंडिंग होल्ड है नहीं छोड़ के नहीं जाना भाई <laughs> छोड़ के नहीं जाना <laughs> देखो क्या लिखा है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट में बी डिफाइंड दैट रिस्क ये एक रिस्क है दैट फाइनेंशियल आर हैटेली मिस प्रायर टू ऑडिट ऐसा भी लिखा है इस पर हम चर्चा बहुत करेंगे आगे अभी इतना समझो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको किसी को अगर बताना है देखो अभी मैंने रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट कौन एक लाइन में मुझे रिस्क ऑफ अपने ओन लैंग्वेज में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट मतलब क्या कौन मुझे बता सकता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेटमेंट मतलब क्या इंग्लिश में मतलब एक सिंपल ड्राफ्टिंग करके बता दो चलो पहले हिंदी में ही बता दो ऐसे ही वट इ रिस्क ऑफ मटल मिस्टेटमेंट ऐसे एरिया जहां पे बहुत ज्यादा जजमेंट इन्वॉल्व हो प्रोविजन हो कॉम्प्लिकेशन तो हो पे वहां पर रिस्क ज्यादा होता है वेरी गुड जो ओनर्स के डिसीजन को मैटर करता है वो रिस्क है हाँ बोल भाई, एकमे को तू ये बोलेगा ले बोले यार बिंदास बोलना क्या है हाँ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस्टेक होने के चांसेस यस सर सर की ड्राफ्टिंग भी अच्छी है खराब है लेकिन ड्राफ्टिंग अच्छी है हाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वो आइटम्स जहाँ पे मैनुपलेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है बिल्कुल सही एनी वन एल्स वॉन्ट्स टू ये यही ड्राफ्टिंग की कला है भाई अब कुछ लोग ये बोलते कि मैं रट के ये कला लेके आ जाऊँगा तो मैं उसके साथ में अग्री नहीं करता अच्छा कुछ लोग गिफ्टेड होते अपने बुआ जी का बेटा है वो गोल्ड मेडलिस्ट है लॉ में वो कॉमा के साथ में रटता लॉ कॉमा के साथ जब वो केस लड़ता है मतलब ही इज़ वेरी यंग टू मी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ता है तो वो जज को बोलता है सर इस पेज में ये पैराग्राफ के ये लाइन में ये बात लिखी प्लीज़ वहां पे जाइए इतना रट्टा है उसका अलग ही लेवल का रट्टा है वो डिप्रेशन देता है मेरे को दस साल पहले तेरे बर्थडे पे अपन ने क्या किया था बोले अब इस, आज के दिन तो छोड़ दे अगर किसी की ऐसी मेमोरी होंगी तो इज गिफ्टेड द पर्सन इज गिफ्टेड करेक्ट और अगर ऐसी नहीं होंगी जैसे अपन है अपन थोड़ा बहुत माहौल समझ गया कॉन्सेप्ट समझ गया अपने मन से लिख देने का अपने को रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एक रिस्क है दैट फाइनेंशियल आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मे बी मटेरियली मिसस्टेटेड और जो मैम ने बोला इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ कॉम्प्लिकेशन और प्रेशर और जजमेंट बच्चे डरते थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख दिया तो रही सजेस्टेड से मैच नहीं होगा अरे रे मैं बता रहा हूं मन से लिख चेक करने वाले को मजा आएगा उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे क्या लिखा है बोले मेरे को जिंदगी में नहीं समझाता अभी तक करेक्ट भाई लेकिन सिर्फ रेलेवेंट लिखना ऐसे में लिख के मत आना ऑडिट के अंदर ध्यान देंगे उसके दो कंपोनेंट होते हैं इनरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क जो हम बाद में पढ़ेंगे अभी नहीं पढ़ रहे वहां पर भी ये घुमा फिरा के लिख रहे हैं

ये हम वही पढ़ पढ़कर आए मोटा मोटी फील लेना चाहता मैं आपको बता रहा हूँ टेक माई वर्ड्स आप 10-15 दिन हो जाएंगे जब सारे एक एक वर्ड एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा आप टेक्निकल लैंग्वेज भी पकड़ने लगोगे लेकिन पहले दिन से उसमें घुसोगे और कॉन्सेप्ट को बाजू में छोड़ दोगे तो फिर कहीं के नहीं रहोगे अब देखो ऑडिट का और एक फीचर और ये अब हम सब्जेक्ट को समझ रहे हैं ठीक है कुछ कुछ ऑडिट बहुत मजेदार है बहुत प्रैक्टिकल है लेकिन इंस्टीट्यूट ने जिस तरीके से मॉड्यूल बनाया और जिस तरीके से थेरी लिखी है कभी कभी उसी चीज को बार बार रिपीट मारते हैं, अलट पलट के माई नेम इज रवि पीपल कॉल मी रवि शी कॉल्स मी रवि आई एम नोन एज रवि मेरे आधार कार्ड पे है रवि बस ऐसी है. अब यहाँ पे लोग वापस बात करते किसकी अप्रोप्रिएटनेस की अब यहाँ पे जो बच्चा बहुत अति सिंसियर रहता है मैं अलग से रटूंगा और जो स्मार्ट रहता है ऊपर पढ़ के आना सफिन अप्रोप्रिएट वही छापूंगा कोई अलग से रटने की जरूरत नहीं है अरे भाई ये लॉ नहीं है यार कि सेक्शन 149 में अलग है सेक्शन 148 में अलग है ऐसा नहीं है डीटी भी नहीं है जीएसटी भी नहीं है लिखो वहां पे डीटी जीएसटी भी क्या डीटी जीएसटी नहीं है सेम एज कॉन्सेप्ट अच्छा सीएनओ को फुल फॉर्म होता है भाई नंबर सीएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है कॉन्सेप्ट ठीक है कौन सा था पांच सौ डॉट एक सौ बीस अच्छा कुछ लोगों को डाउट है सर लाइन से नहीं है कॉन्सेप्ट नंबर अरे जानबूझ के मैंने गैप छोड़ा है अगर इंस्टीट्यूट ने कोई नया कॉन्सेप्ट लाया तो अपने बुक में कॉन्सेप्ट नंबर चेंज होते नहीं है जैसे अगर 100 और 120 गैप मैंने रखा है नया कॉन्सेप्ट आया तो उसको डालूंगा 110 करेक्ट तो ये मेरा नंबरिंग करने का सेम एज कॉन्सेप्ट नंबर पांच सौ डॉट वही चार्ट छापने का गर्व से हिचकी चार्ट से नहीं ऑडिट में आपको कुछ जगह दिखेगा सब एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक जगह पे छः पॉइंट है एक जगह पे मिलते जुलते चार पॉइंट है छह पॉइंट वाला याद रखने का दोनों जगह लिखने का बी स्मार्ट गधागिरी मत करो कम आउट ऑफ दैट डरो मत ठीक है सेम एज कॉन्सेप्ट फाइव डॉट वन ट्वेंटी एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं पूछा इसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने छाप के रखा है तो मेरे को तो लेना ही था अपन मॉड्यूल का एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ते नहीं।, नहीं है हाँ उसको कैसे ट्रीट करना वो अपन फिर बताते रहते आइए थोड़ी कलाकृति निकालेंगे क्या निकालेंगे कलाकृति हाँ सर हमको कला से बहुत प्यार है क्या बोल रहे कलावती कृति सनन आधा है तू उसका सर बोले नहीं नहीं मैं भी आ रहा तू ऐसे चिंता मत कर बिंदास क्या बोल रहे हिल पहनती कृति खरबंदा भी चलेंगे देख सब लड़कियां सुन रही है कोई तेरे को चारा नहीं डालेगा तू ऐसे बदलेगा ऑनलाइन वाले बहुत ही हंस रहे अच्छा कुछ लोगों कृति जान दो ऑडिटेक आर्ट है आर्ट बहुत बढ़िया चलो नहीं, इतना मोटा नहीं है चिकना अपना <स्था> बाकी चिकने लोगों ने हॉस्टल में केयरफुल रहना चाहिए वेरी पता चला लड़कों का ही दिल आ गया है देखो, क्या आर्ट है ये देखना पड़ रहा है। क्या क्या देखना पड़ रहा है बोले देखा नहीं जाता है मेरे से कौन से सर के ड्राइंग इतने मतलब मेरे लेवल के रहते किसी के किसी के नहीं बोले आपका कोई लेवल ही नहीं है <laughs> उनके भी एकदम आड़े तेड़े तो 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 <laughs> अज्यूम करते जाओ तुम तो। ओके okay, ध्यान देंगे ना लिसन तो बेसिकली कस्टमर है ऐसे चुक 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 चुक, चुक नहीं करते तुम तो। हाँ लेकिन ज्यादा नहीं करना बाहर वाले गलत समझ सकते हैं वेरी बैड कुछ रे 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 ध्यान देंगे कोई बात नहीं कुछ लोगों ने सुना नहीं अच्छी बात है कस्टमर एक्सर कंफर्मेशन देता है लेसन बैलेंस एस पर माय बुक्स चलो इतना ही लगता है ना ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए मूली के पराठे वराठे नहीं खाएंगे कुछ जल रहा है सौरभ कुछ जल रहा है भाई बाहर जाना है क्या बता देना तैयारी में रहना भाई और मैं सबको बता दू ऐसा कभी हुआ ना जिंदगी में बैग लेके नहीं भागना खुद अबे खुद भागना खुद को बचाना बैग तो मिल जाएगा बाद में और नहीं भी मिला तो चलता पहले भागने का ऐसा हुआ तो समझा रहा हूं मैं ठीक है वो हो जाएगा ध्यान देंगे हाँ तिथे ते कई तरी वायर वायर होते है बरोबर ओके okay, ध्यान देंगे ना लिसन ओके हाँ भाई लिसन थर्ड पार्टी बहुत बार ऑडिटर बोलता है थर्ड पार्टी को कि तू मुझे लिखकर दे तेरे बुक्स में कितना बैलेंस है और उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सबसे रिलायबल एविडेंस अगर ऑडिट में हम कुछ मिलता है दैट इज एक्सटर्नल कंफर्मेशन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों इतना क्या क्या इसके अंदर वो कौन से फीचर्स है वो कौन सी बातें हैं कि ये एविडेंस को इतना रिलायबल माना जाता है वाई इट इज कंसीडर्ड सो रिलायबल मैडम बोल रहे केनॉट बी मैन्युपुलेटेड मतलब भी आप रिलायबल बोल रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं क्यू यस yes, कौन बोलता बाहर से आता है एक फीचर मैडम ने बता दिया कि ये एविडेंस इतना रिलायबल इसलिए है क्योंकि ये बाहर से आता है। इट कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टी। इंडिपेंडेंट है कंपनी का कंपनी का इस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है इसपे कोई कंट्रोल नहीं है इस पर कोई, कोई प्रेशर नहीं है इंडिपेंडेंट है इसलिए ज्यादा रिलायबल होता है अच्छा और हाँ? कुछ भी गलत नहीं बाहर वाली पार्टी कभी गलत नहीं बोलती जनरली कभी गलत नहीं बोलती जो बनाने वाला बंदा क्वालिफाइड होता है नॉलेजेबल होता है होनार बुद्धिमान शक्तिमान भरोसेमंद होता है हाँ शेयर होल्डर्स को ज्यादा विश्वास होता है बाहर वालों पे, इन जनरल सबको ज्यादा विश्वास होता है बाहर वालों पे, ओके okay. पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है मैन्युपलेशन करना मुश्किल होता है जनरली थर्ड पार्टीज को मैन्युपेट अगर किसी को कस सुनो थर्ड पार्टी मैन्युपलेट नहीं होती है जैसे सी ने फोन मारा मेरे को पता है तेरा अस्सी लाख का बैलेंस है प्लीज़ एक करोड़ का लिख कर भेजना कोई लिख कर भेजेगा पागल है कुत्ते निकाल आएगा मेरे को अस्सी लाख कितना बोल रहा है एक करोड़ कल जाके तू तो कोर्ट में जाएगा और बोलेगा ये देखो लिख रहा था एक करोड़ अब एक करोड़ चाहिए मेरे को कोई झूठ लिख के देने वाला नहीं है और इंटरनल पार्टी कंपनी के प्रेशर में होती है उसको प्रॉब्लम हो सकता है उसके जॉब में प्रॉब्लम उसकी सैलरी रेमुनरेशन में प्रॉब्लम ओके अनबायस्ड होते हैं उनको कंपनी से कोई ले कितना बैलेंस है बता दो कोई लेना नहीं है अनबायस्ड होते हैं लोग ओके फ्रॉड होने के चांसेस कम है ओके okay. ध्यान देंगे बिल्कुल सही आप लोगों ने सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट कवर किए एक्सटर्नल एविडेंस को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में रिलायबल माना जाता है बहुत ज्यादा क्या माना जाता है रिलायबल माना जाता है रिलायबल क्यों माना जाता है वाई इट इज कंसिडर्ड सो रिलायबल इसको रिलायबल माना जाता है सबसे पहले एविडेंस कहां से आ रहा है बाहर से बिकॉज एक्सटर्नल सोर्स है एक्सटर्नल सोर्स है इतना रिलायबल इसलिए बाहर सारा एक्सटर्नल सोर्स होता है और बहुत बार ये इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट मतलब लीगली पर्सनली फाइनेंशियली प्रोफेशनली डिपेंडेंट नहीं है कंपनी से कोई कनेक्शन नहीं है एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट है इसलिए और कुछ लोग आपने पॉइंट मिस किया क्यों इतना भरोसेमंद है क्योंकि ये रिटर्न फॉर्म में आ रहा है इट इज नॉट ओरल इट इज रिटर्न डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है रिटर्न फॉर्म में है इसीलिए ये और ज्यादा रिलायबल हो जाता है एक तो बाहर से आ रहा है ऊपर से बहुत, बहुत बार पार्टीज इंडिपेंडेंट होती है जिनका कंपनी से कोई कनेक्शन नहीं है इसलिए बहुत रिलायबल है फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होता है रिटर्न फॉर्म में होता है इसलिए और रिलायबल और ओरिजिनल होता है इट इज नॉट कॉपी, इट इज नॉट अ फोटो कॉपी यह ओरिजिनल है इट इज अ ओरिजिनल एविडेंस ये ओरिजिनल एविडेंस है फोटो कॉपी नहीं है जेरोक्स कॉपी नहीं है इसलिए और रिलायबल होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात डायरेक्टली रिसीव्ड डायरेक्टली रिसीव्ड बाय ऑडिटर बीच में कोई भी नहीं है कंपनी के लोग भी नहीं है बीच में कंपनी के लोग भी नहीं है डायरेक्टली रिसीव्ड एविडेंस कभी भी ज्यादा रिलायबल होता है एज कंपेयर टू जो कंपनी से आर एफ फॉर एग्जाम्पल और भी एग्जाम्पल सुनो ऑडिटर ने खुद जाके इन्वेंट्री को देखा वो कौन सा एविडेंस हुआ डायरेक्टली वो ज्यादा अच्छा है कि कंपनी जाकर फोटो लेकर आपको देगी वो फोटो वो ज्यादा अच्छा है खुद जाकर नहीं तो जानबूझ के फोटो इस एंगल से निकाले है कि इन्वेंट्री ज्यादा दिखे प्रैक्टिकल लाइफ में हुआ है मिरर्स रखे गए मिरर्स रखे गए और ऐसा फील दिया गया कि इन्वेंट्री और भी ज्यादा है और बेवकूफ़ बनाया गया आप जैसा जो सोच भी नहीं सकते हर तरीके से लोगों ने ऑडिटर को बेवकूफ बनाने की कोशिश की है और आज भी ये कोशिश जारी है इतना रिलायबल देखो मेरे दिमाग में फ्लो कैसे आता है पहले मैं बोलता है ये बाहर से आ रहा है एक्सटर्नल पर्सन है एक्सटर्नल सोर्स है वो भी इंडिपेंडेंट तो और भी रिलायबल फिर बाद में किस में है डॉक्यूमेंट में है रिटर्न फॉर्म में है इसलिए और भी रिलायबल ये डॉक्यूमेंट कैसा है ओरिजिनल है इसलिए और भी रिलायबल किसको मिला किसको मिला ऑडिटर को डायरेक्टली मिला इसलिए और भी रिलायबल है एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक ऐसी चीज है जिसमें रिलायबिलिटी के सारे गुण है जिसमें रिलायबिलिटी के सारे गुण है अभी अपने कॉन्सेप्ट पढ़ना है बताओ बताओ ऐसे फैक्टर्स जिससे एविडेंस रिलायबल बनता है यही है वो सारे बताओ ऐसे फैक्ट ऐसी चीजें बताओ कि ये चीजें अगर किसी एविडेंस में होगी तो वो एविडेंस कैसा होगा रिलायबल मैंने आपको कोई शॉर्टकट नहीं समझाया मैंने बोला आप सिर्फ किसके बारे में सोचो एक्सटर्नल कंफर्मेशन अगर आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में सोचोगे तो आपको फूट फूट के निकलेंगे सारे गुण और ये गुण आपको किसी भी एविडेंस में मिले तो जनरली वो एविडेंस कैसा होता है रिलायबल होता है तो ये अपना याद रखने का तरीका है कि आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन को रिकॉल करो एंड ऑल द फैक्टर्स विच मेक एविडेंस रिलायबल विच मेक एविडेंस रिलायबल वो अपने आप आपको याद आ जाएंगे अरे हवा लग रही क्या यस yes, नो no? तो अच्छा अब और एक चीज देन वी गो टू द चार्ट एंड वी स्टडी इट देखो इन मेजोरिटी सोर्स तो कौन सा होता है इंटरनल की एक्सटर्नल इंटरनल <laughs> नहीं मेजोरिटी कौन सा होता है इंटरनल हर चीज यार एक तो क्या है प्रैक्टिकल लाइफ में लोग रिप्लाई नहीं मारते सौ लोगों को रिक्वेस्ट करोगे कि प्लीज कंफर्मेशन भेजो तो उसमें से बीस कस्टमर भेजते कोई लॉ थोड़ी है थर्ड पार्टी को रिप्लाई करना पड़ा कोई लॉ है क्या कोई लॉ नहीं है उनकी इच्छा है रिप्लाई करे या ना करे एक्स एविडेंस है बड़ा प्यारा लेकिन इतने आसानी से मिलता नहीं है आज भी आपका जो मेजर एविडेंस है वो कौन सा है इंटरनल एविडेंस क्या इंटरनल एविडेंस बिल्कुल ही नालायक बिल्कुल अनरिलायबल होता है क्या नहीं है। रिलेटिवली रिलेटिवली, रिलेटिवली कंपेरिटिवली इट इज लेस रिलायबल अब मुझे आप बताइए कौन मुझे बता सकता है इंटरनली जो डॉक्यूमेंट्स इंटरनली जो वाउचर बनता है इंटरनली जो बुक्स बनते हैं जो रिपोर्ट बनते हैं वो रिलायबल कब बनेंगे वेन कब हम बोल सकते हैं कि यार इंटरनल जो रिपोर्ट जनरेट हो रही है वो भी रिलायबल है कब आपको ऐसा लगेगा हाँ? आप बोल रहे हैं कि जब एक्सटर्नल से मैं हाँ एक्सटर्नल से कोराबोरेट हो गया तो उस पर भरोसा ज्यादा करेंगे लेकिन अगर मैं एक्सटर्नल के बारे में अभी नहीं सोच रहा हूं कब मैं बोलूं कि इंटरनल एविडेंस और रिलाइबल होगा अगर वो ऑथराइज्ड हो अगर वो रिपोर्ट क्या हो ऑथराइज हो ओके okay. टेस्ट डिटेल से डॉक्यूमेंट मैच हो जाए रीपरफॉर्मस सबके दिमाग में यह आ रहा है कि मैं कैसे उसको चेक करूं मैं इंटरनल रिपोर्ट्स को कैसे चेक करूं ओके सिस्टम स्ट्रांग है सिस्टम स्ट्रांग है सॉफ्टवेयर बेस्ड है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है ओरिजिनल फॉर्म में हमको मिल रहा है तो मल्टीपल सोर्सेस से अगर वो मैच हो रहा है तो ओके आई एम सो हैप्पी दैट यू ऑल आर टॉकिंग बराबर बहुत अच्छी बात है मैं आपको पहले बोला अगर आप क्लास में बोलना शुरू करो तो एक दिन लीडर बनोगे क्लास में नहीं बोल सकते लीडर कैसे से बनेंगे यस मैडम हाँ अगर वो कंक्लूजिव होगा तो और भी अच्छा ठीक है बिंदास बोलो कोई किसी को जज नहीं कर रहा है ऑनलाइन भी आ रहा है जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग हो ना लिसन इफ आई एफ सी इज गुड बापरे आई एफ सी पे पहुंच गया आर्यन तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स इंटरनल कंट्रोल्स सर हमें भी देख लो तुम दिख नहीं रहे हो यार फोटो भेजो ग्राफ्स में कुछ गड़बड़ नहीं आ रहा है तो अच्छा वंश बोल है सुन लेंगे आप बिल्कुल सही लिसन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं जब कंपनी के अंदर का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग हो एग्जांपल सुन लो कंपनी में एक नंबर सैलरी डिपार्टमेंट है सैलरी डिपार्टमेंट का हेड है बीस साल का एक्सपीरियंस लेकर बैठा है उसके अंदर पांच लोग काम कर रहे हैं जो मिनिमम पांच साल एक्सपीरियंस वाले एडिक्वेट रिसोर्सेस है एडिक्वेट टीम है वेल एक्सपीरियंस टीम है नॉलेजेबल well टीम है, है इनके पास में दस लाख रुपए का सॉफ्टवेयर है सैलरी का डेटा संभाल के रखने में प्रोसेस करने के लिए दे अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर विद बड़ी प्यारी सी टीम प्यारा सा सॉफ्टवेयर इनके पास में एक इंडिपेंडेंट सर्वर है जिसको बहुत ज्यादा इंक्रिप्टेड है जिसको ब्रीच कर नहीं सकते सुपर इनका वेल डिजाइन मंथली सैलरी कंप्यूट करने का सिस्टम है इनको पता होता है कि छुट्टियों की रिपोर्ट कहाँ से आएगी ओवर टाइम की रिपोर्ट कहां से आएगी नए जॉइनिस की रिपोर्ट कहां से आएगी बराबर उसको सॉफ्टवेयर में फीड करते हैं हर महीने का प्रोसेस सेट है एकदम चीज़ें आती है फीड करते हैं और एक पहला ड्राफ्ट बनाते रिपोर्ट का उसको ये पांच लोग चेक करते फिर सीनियर चेक करता सही है क्या चेंजेस होते हैं फिर फाइनल रिपोर्ट बनती है फिर सीनियर उस पर सिग्नेचर स्टैम्प डालता है और हर महीने की सैलरी फाइनल होती है क्या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है ना लोगों की कमी है ना सॉफ्टवेयर की कमी है एक नंबर प्रोसेस है सिग्नेचर्स है स्टैम्प है ऐसे रिपोर्ट पर दिला जाएगा हमारा इफ देर आर वेल डिफाइंड वेरी गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विथ एडिक्वेट स्टाफ प्रॉपर सॉफ्टवेयर प्रॉपर स्टेप्स इवन इंटरनल एविडेंस कैन बिकम वेरी रिलायबल वो भी बहुत रिलायबल बन सकता है तो आपने हमेशा पूछना चाहिए रिपोर्ट किसने बनाई अच्छा ऐसा है क्या यार बहुत ही रिलायबल है मैं इस रिपोर्ट पे विश्वास दिखाऊंगा पूरा आई यू गेटिंग दिस पॉइंट बहुत सिंपल था सवाल था मतलब जवाब था इसमें आप लोगों की सोच बिल्कुल सही चल रही थी एक सिंपल आंसर है क्या अगर स्ट्रांग हो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज़ टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड इफ इट इज गुड देन दैट दैट रिपोर्ट इज रिलायबल आइए आपको यह चार से पांच माह का क्वेश्चन आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलाेक्टिंग रिलायबिलिटी थिंक अबाउट एक्सटर्नल कंफर्मेशन ठीक है थिंक अबाउट मैंने लिखा हुआ है कई कई पे स्पेलिंग के ऊपर गड़बड़ होगी सॉफ्टवेयर में गड़बड़ था इसलिए थिंक अबाउट एक्सटर्नल कंफर्मेशन, तो सबसे पहले सोर्स कोई भी एविडेंस आपके सामने आए अगर एक्सटर्नल सोर्स है इंडिपेंडेंट सोर्स है तो इट इज गोइंग टू बी मोर रिलायबल एज कम्पेयर टू इंटरनल ऑडिट एविडेंस आप एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में सोचो सबसे पहले आपको डायग्राम में कस्टमर दिखेगा आपको सोर्स क्लिक होगा दूसरा आपका फॉर्म कोई भी एविडेंस अगर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में है पेपर हो सकता है ठीक है पेपर फॉर्म में है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है एज कंपेयर टू ओरल इट इज गोइंग टू बी मोर रिलायबल वो ज्यादा रिलायबल होगा फिर नेचर ऑफ़ द डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एज कम्पेयर टू फोटो कॉपी फैसिमिल्स मतलब फैक्स फैक्स सबको पता है अब आजकल आउटडेट हो चुका है आजकल आउटडेट हो चुका है लेकिन फैक्स मशीन्स थी फैक्स मशीन में आप आपके टेलीकॉम नेटवर्क को यूज करके टेलीकॉम नेटवर्क को यूज करके एक जगह से दूसरे जगह पे आप डॉक्यूमेंट को भेज सकते थे करेक्ट फिर मैं ये कॉन्सेप्ट होने के बाद याद दिलाऊंगा कि कैसे हमारी टीम ने एक बार उसको मिस यूज किया ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आर मोर रू फोटो कॉपी निकाला हुआ है digital form में। भाई आज के डेट में तो डिजिटल फॉर्म में कुछ भी होता है उस पर आप भरोसा कर नहीं सकते डायरेक्टली बाय ऑडिटर ऑप्टेन डायरेक्टली बाय ऑडिटर एज compared टू रिसीव थ्रू अदर्स जो एविडेंस ऑडिटर खुद इकट्ठा करे वो हमेशा ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू रिसीव फ्रॉम अदर्स इज मोर रिलायबल चार फैक्टर्स थे चलो फटाफट बंदे को कस्टमर को याद आएगा सोर्स अगर क्या है एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट आउटसाइड सोर्स है तो वो ज्यादा रिलायबल है फिर क्या आता है फॉर्म अगर डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में रिकॉर्ड फॉर्म में है तो वो ज्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू ओरल फिर नेचर अगर ओरिजिनल फॉर्म में है तो वो ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू फोटो कॉपीज एंड फैक्स एक्सेट्रा डिजिटल फॉर्म फिर उसके बाद में ऑप्टेन बाय इफ इट इज रिसीव डायरेक्टली बाय ऑडिटर तो वो ज्यादा रिलायबल है एज कम्पेयर टू रिसीव इनडायरेक्टली थ्रू द कंपनी और एक बता दो ये सारे हेडिंग अपन ने दिए हैं मॉड्यूल के अंदर कोई हेडिंग नहीं होते हेडिंग भी थोड़े कम ज़्यादा हुए तो चलते हैं दिस इज नॉट एस एम एस एम में हेडिंग दिए होते क्या एस एम के मॉडल में हेडिंग रहते होंगे ऑडिट के मॉडल में कोई हेडिंग नहीं होते आपके अगर हेडिंग भी थोड़े कम ज़्यादा हुए तो आपको चिंता की कोई बात नहीं है क्या सब्जेक्ट है सर बहता हुआ सब्जेक्ट है बस इसमें डुबकी मार लो तैर लो अच्छे से ध्यान दो Further in case of internally generated audit evidence, further in case of in internally generated audit evidence, effective related controls. If internal controls which are used to prepare a document are effective, are working properly, then we can rely on the concern, then that document and record. It will be reliable. How lagi Yes, no? Yes, sir. Very good. तो मेरे को किससे याद आ गया था ठीक है Misuse का फैक्स मशीन तो मैंने जब आर्टिकलशिप की थी दैट वाज आई ज्वाइन आर्टिकलशिप इन 2006 2006 बहुत पुराने बोल नहीं 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 2006 भी नहीं है टू सॉरी मेरे को याद आता है आई गॉट रैंक शायद वो डेट याद है मेरे को फोर्थ ऑगस्ट को रिजल्ट आया था हमारे टाइम लेट आया था लेट ही आता था पहले फोर्थ ऑगस्ट को आई गोट अ रैंक सेप्टेम्बर में आई ज्वाइन द आर्टिकल शिप हमारे टाइम पे वो आई टी ओ टी वोट कुछ भी वो आर्टिकल शिप के साथ था वो भी सामूहिक टाइम पास था वो ठीक है ना तो वहाँ पर हम लोग उस टाइम पे आपके एस टी डी चार्जेस थे एस टी डी चार्जेस हुआ करते साथ में आई एस डी चार्जेस तो जनली जो कॉर्पोरेट होता है कॉर्पोरेट्स वहां पर जितने भी फोन होते हैं वहां पर इंटरनल कॉलिंग होती है और ज्यादा से ज्यादा लोकल कॉलिंग होती थी एस टी डी आई एस डी नहीं था अब हमारे एक बंदा उनकी प्रिय दोस्त ठीक है इंडिया के बाहर और भाई को आईएसडी लगाना है ठीक है आईएसडी लगाना है तो उसका भाई क्योंकि अब जब जब इतनी ज्यादा तीव्र इच्छा हो चाहत हो तड़प हो देखो तड़प रहे यहाँ पे <laughs> तड़प हो तो कुछ ना कुछ रास्ता निकल जाता है मशीन में आई एस डी लेकिन उससे क्या होता था फैक्स तो फिर वापस उसका इतना दिमाग चल गया उसने बराबर वहां से वायर निकाला दूसरा अपना एक लेकर गया फोन उसमें कनेक्ट किया करेक्ट और वहां से आई जैसे ही ऑडिटर्स बहुत लेट बैठते थे, थे ऐसे भी देस टू सीट लेट लेट काम चल रहा है हमेशा दस पांच दिन का टाइम मिलता था डेडलाइन बहुत नज़दीक तो लेट चलता था काम तो फिर भाई वहाँ से कॉल करता था और लकी था क्लाइंट को पता भी नहीं चला अगर बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करा तो पकड़ा जाता एक दिन पकड़ा गया था तो, बाद में बताऊंगा कभी बट देन उसने दिमाग लगाया और बराबर फैक्स मशीन से उसने इंटरनेशनल कॉल कर लिए करेक्ट तो ऐसा भी अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं इंटरनेशनल कॉल्स तो आजकल कोई यूज करता है, है ही नहीं यू यूज व्हाट्सएप कॉल्स करेक्ट अच्छी बात है चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सबके दिमाग में अरे यस नो यस रेलेवेंट भाई साहब अब कमर कस लो इस कॉन्सेप्ट के लिए एविडेंस हो तो कैसा हो रेलेवेंट रेलेवेंट मतलब जिस मुद्दे में आपको डाउट है जहां पे आपको प्रॉब्लम था रिस्क था एग्जैक्टली exactly उसके लिए जब एविडेंस मिलता है तो वो कौन सा आपका एविडेंस है रेलेवेंट अरे वो कौन सा एविडेंस है रेलेवेंट और इस कॉन्सेप्ट में इन्होंने बस ये समझा एग्जाम्पल दिए क्या दिए एग्जाम्पल चलिए फिर से थोड़ी कलाकृति करनी पड़ेगी यहां पे। आइए आप जब भी स्क्रिबल करो कॉन्सेप्ट नंबर डाल दिया करो कॉन्सेप्ट नंबर डाल दिया करो कि भाई ये कॉन्सेप्ट की स्क्रिबलिंग कर रहे हैं आपके जो स्क्रिबलिंग आप कर रहे हो आपको उसको पढ़ने की बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है कोई स्क्रिबल में आपको बहुत मजा आया तो उसका रेफरेंस सब लोग पेज नंबर डाल रहे हैं क्या मेरे हिसाब से तो एक ही बुक बनाना डीपी भी उसी में लिखना सब स्क्रिबलिंग भी उसमें ही करना सब कुछ उसी में करना कुछ काम का लगा तो उसका क्या लिखने का पेज नंबर मैं आपको बता रहा हूँ अपने भास्कर बुक्स में जो चार्ट्स है वही अपने सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होने वाली है दीज आर नॉट शॉर्टकट चार्ट दीज आर वेरी डिटेल इन डेप्थ वेल थॉट चार्ट्स इतना भी आदमी ने याद रख लिया ना आंसू आ जाएंगे लोग और अगर लिख दिया तो बहुत है आपका बेस वही रहेगा सुनिए मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको फाड़ू चार्ट बुक भी बना कर दूँ फाड़ू चार्ट बुक के अंदर इज नथिंग बट ये सारे चार्ट एक साथ आ जाते लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप 100-120 घंटा अगर आपके भास्कर बुक पे दे रहे हो उसके चार्ट्स पे दे रहे हो उस पर मार्किंग पे दे रहे हो तो आपने कोशिश करनी चाहिए कि रिविज़न भी यही से करें चार्ट तो यहां पर भी है ना भाई अरे यस नो ठीक है अब आपकी एक बार ये वॉल्यूम बन जाएगी आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगी तो मेरा काम शुरू होगा चार्ट बुक पे और पूरी कोशिश रहेगी चार्ट बुक भी मैं आपको दे दूं लेकिन मैं बोलूंगा जिस पे आप समय बिता रहे हो आपने उसी को आपका बेस बनाना चाहिए और मैंने बोला सारे चार्ट एक साथ कर लो कितने भेजे दो सौ इससे ज़्यादा आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं है बताओ मैं क्या बना रहा हूं कलाकृति <स्याँगा> क्या बोलिए क्या कुछ भी गोडाउन ये क्या होगा इते, इते, इते। कुछ भी है क्या इन्वेंट्री है वो मेरे ड्राइंग का इतना मजाक ये देखो नालायक क्या आर पार दिख रहा हूं। देख लो लड़कों की सोच क्या हो रही है आजकल <laughs> कांच के घर नहीं बनाने के बोले रिलेवेंस कॉन्सेप्ट नंबर है बेटा वही चल रहा है रिलायबल वाला ही चल रहा है 500.140 जो पुराना था वही चल रहा है क्लास में हंसते खेलते रहने का खा पी भी सकते इसी बाजू बाजू वाले को परेशान नहीं करना तुम खाएगा खाया खाएगा तु खाएगा, खाएगा, अपना अपना खाना पीना खुश रहना ठीक है ओके okay, ध्यान देंगे तो आपको दो चीजें दिख रही है दो आपको दो भाई मोटा मोटी दो चीज दिख रही है एक आपको दिख रहा है गोडाउन जहां पे आपकी फिजिकल इन्वेंट्री है फिजिकल इन्वेंट्री है हाँ ट्रांसपेरेंट गोडाउन है जो तुमको समझना है समझो ठीक है फिर उसके बाद में आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कोई सॉफ्टवेयर होगा वहां से इन्वेंट्री की लिस्ट दिख रही है ठीक है अब दो तरह के दो तरह के रिस्क हो सकते हैं आप मुझे बताओगे कि हम कैसे उसको चेक करेंगे ठीक है दो तरह के रिस्क पहला मैं आपको बताऊं उसके बाद में फिर दूसरे भी हम डिस्कस करेंगे सपोज जो हमने जांच पड़ताल की छानबीन की और हमको पता चला कि रिस्क है एग्जिस्टेंस में कुछ इन्वेंट्री नकली है कुछ इन्वेंट्री नकली है हमने जो छानबीन की हमारा पास थोड़ा हिस्ट्री था इस कंपनी में कंपनी के एम्प्लॉज से बात की और यह समझा हमको कि यह कंपनी को अपने प्रॉफिट बढ़ाने होते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे आसान तरीका है प्रॉफिट बढ़ाने का क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दो क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दो तो प्रॉफिट बढ़ता है यह सबको समझता है क्या समझता है फिर आंसू आ गए मेरे क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो ट्रेडिंग में क्रेडिट बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा प्रॉफिट आपका बढ़ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ जाता है प्रॉफिट बढ़ जाते हैं सो रिस्क है कि कुछ नकली इन्वेंट्री है दे इज अ रिस्क इन एग्जिस्टेंस इज अ रिस्क इन एग्जिस्टेंस ना एज अ हुनर बुद्धिमान शक्ति आप जो इतने हुनर बुद्धिमान शक्तिमान हो आप जो इतने इंटेलिजेंट हो चाचा चौधरी से भी ज्यादा तेज दिमाग चलता है कुछ लोगों चाचा चौधरी पता नहीं होगा कॉमिक कार्टून था फिर क्या आप मुझे बताएंगे आप चेकिंग कैसे करोगे उधर जाओ चेक करो ओके okay. तो पहला पहला रिस्क ये है रिस्क वन है रिस्क वन है एग्जिस्टेंस में किस में रिस्क है एग्जिस्टेंस और दूसरा रिस्क है दूसरा रिस्क है ऐसा डर है कि कुछ इन्वेंट्री छूट गई है कंप्लीटनेस एक रिस्क है एक रिस्क हमको पता चली दो से अलग अलग रिस्क हो सकती है एक रिस्क है एग्जिस्टेंस एक मतलब इन्वेंट्री नकली है और दूसरा रिस्क है लापरवाही होती है तो कभी कभी इन्वेंट्री छूट जाती है ये दोनों रिस्क को आप चेक कैसे करोगे कौन बताएगा मेरे को अगर कोई सही जवाब दे देना एकदम दोनों रिस्क को कैसे चेक करेंगे तो मैं तब से कैश प्राइस रिपीट करो दो अलग अलग रिस्क है दो अलग अलग रिस्क है पहला रिस्क है एग्जिस्टेंस और दूसरा रिस्क है कंप्लीटनेस उसको चेक कैसे करोगे और दोनों चेकिंग में क्या फर्क रहने वाला है एक एक, एक करके कोडिंग हाँ। सर बोल रहे हर इन्वेंट्री का एक कोड होगा तो उसका कोड भाई हाँ हर इन्वेंट्री का कोड होगा तो आगे कौन सा असली है, कौन सा नकली है वो चेक कर सकते मैं मौका दूंगा मैं आपको कोई बात नहीं मैडम नहीं मिलेगा सबको मौका मिलेगा हाँ आएगा मैडम नंबर यस सर सर ने बोला कि हर चीज को चेक करना पॉसिबल नहीं है तो हम सैंपलिंग करेंगे पहले सैंपलिंग करेंगे आप बोलते एक जगह सैंपलिंग लगाओ एक जगह मत लगाओ ऐसा कुछ बोल रहे हैं आप लेकिन ठीक है थोड़ा आपका दिमाग में आ रहा है वो हाँ सर बोल रहे हैं कि कितनी इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में और कितनी इन्वेंट्री फिजिकल में है उसका जाके डिफरेंस निकालो ओके okay. सप्लायर से कंफर्मेशन मांगेंगे सप्लायर से मैडम वो कंफर्मेशन में बहुत मजा है इसके पहले का कॉन्सेप्ट था तो बोले कंफर्मेशन ठीक है सही है देखो होता है बिल्कुल यू ऑलवेज गेट इन्फ्लुएंस विद द अर्लियर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है कंफर्मेशन सप्लायर से मांगेंगे कि भाई उसने गुड्स भेजे थे कि नहीं भेजे थे हाँ बोलो मैडम स्टॉक स्टॉक ऑडिट ऑडिट हुआ होगा ना <laughs> मैडम एक ही सेंट बहुत सारे वर्ड आ गए स्टॉक ऑडिट भी आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आ गया <laughs> और भी बचा है बोले इंस्पेक्शन भी कर लेंगे स्टॉक <laughs> रुक बोले स्टॉक परचेज सेल तीनों में कंपेयर करेंगे ओके okay, ऑनलाइन वालों से भी देख लेते हैं। सर इंस्पेक्शन करेंगे फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे अरमान बोलता है ऑब्जर्वेशन वंश बोलता है फिजिकल वेरिफिकेशन निशान बोलता है एग्जिस्टेंस अनूप अनूप बोलता है पीरियडिकल वर्सेस परपेचुअल बताऊंगा बेटा बाद में वो इंस्पेक्शन और रिकैलकुलेशन स्टॉक ऑडिट अमुख तो यहां बैठा कोई और दूसरा अमोक है कोई स्टॉक ऑडिट फिजिकल वेरीफाई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और गोडाउन की स्टेटमेंट को टैली करेंगे अक्षत मेलिना बोलते फिजिकल वेरिफिकेशन स्टॉक करेंगे जीआरएन चेक करेंगे सर ऊपर खड़े रहो नीचे मत जाओ लाइन में वो भी आ गया बहुत फुदकते हो बोले इधर से उधर नया बोलते काउंटिंग करें लेकिन तुम लोग किसी ने भी अभी तक ये नहीं बोला दोनों चेंज में फर्क क्या होगा? बोले हम पहले आप भी बोले बहो तो हम बहरे बोले हाँ प्रीवियस ईयर की, पहले जो ऑर्डर आया था उसका रिपोर्ट चेक करेंगे ठीक है चलो ये सारी बातें आप जो बोल रहे कहीं ना कहीं किसी ना किसी कॉन्सेप्ट में जुड़ती है यहां पे एक्जेक्टली परफेक्ट नहीं है हाँ मैडम परचेस इनवॉइस और सेल्स इनवॉइस की क्वांटिटी को मैच करके देखेंगे ओके okay. ठीक अब मैं बता दू क्या हाँ हाँ बोलो बोलो मैडम एक में सबस्टैंडिव प्रोसेस एक में टेस्ट ऑफ डिटेल ओके जोर से बोल भैया अगले बार जोर से बोल भाई से बोल। Boy, कौन किसी को बोला ना बोल भाई इन्वेंट्री की वेराइटी चेक करेंगे कंप्लीटनेस में मैडम ने बोला पहले में फिजिकल देखने हैं तो फिजिकल जाके चेक करेंगे दूसरे में एएस के हिसाब से चेक करेंगे वैल्यूएशन चेक करेंगे हाँ वैल्यूएशन बराबर हुआ है कि नहीं अब अब मैं बोलेगा ठीक है अब सुन लो ना no लिसन सुन लो दोनों में एक ही फर्क पड़ता है डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग चेंजेस अभी अभी हुआ <laughs> ये आपने बहुत कुछ बोला लेकिन इस पे नहीं पहुंचे थे ना no लिसन ध्यान दीजिए सुनिए क्या हुआ सुनो अब बहुत कॉमन सेंस भरा है एग्जिस्टेंस में रिस्क है मतलब ये जो इन्वेंट्री की लिस्ट दी है इन्वेंट्री की लिस्ट दी है ये जो अपनी इन्वेंट्री की लिस्ट दी हुई है इस लिस्ट में कुछ नकली इन्वेंट्री है इस लिस्ट में कुछ नकली इन्वेंट्री है हम कैसे इसको चेक करेंगे बहुत आसान है आप आप ये लिस्ट में से रैंडमली कुछ इन्वेंट्री को चुनो रैंडमली 50 इन्वेंट्री को सिलेक्ट करो और वो जाओ गोडाउन में और गोडाउन वाले को बोले इधर आ बेटा, ये 50 मैंने सिलेक्ट की है लिस्ट से मुझे बता कहाँ पे है मुझे बता गोडाउन में ये 50 कहां पे है अगर वो मुझे 50 दिख गई तो मेरे मन में विश्वास आएगा कि इन्वेंट्री सही में एग्जिस्ट करती है माई डायरेक्शन ऑफ चेकिंग इज फ्रॉम रिकॉर्ड्स टू एविडेंस फिर से फिर से एक बार वापस एग्जिस्टेंस में रिस्क है मतलब क्या जो लिस्ट के अंदर इन्वेंट्री दी है उसमें से कुछ नकली है ये रिस्क है मुझे कि कुछ नकली है इसके अंदर तो मैं क्या करूंगा रैंडमली मैं पचास आइटम को सिलेक्ट करता हूं और मैं एविडेंस से मैच करता हूं तू है कि नहीं तू है कि नहीं तू है कि नहीं तू है कि नहीं तू है, है मतलब एग्जिस्टेंस है तू नहीं है मतलब एग्जिस्टेंस नहीं है सो डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग कैसा हुआ अकाउंटिंग रिकॉर्ड टू एविडेंस अरे समझा क्या यस yes, नो no? yes, देखो रिस्क नंबर वन में हमारा डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग बापरे ये हमारा डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग हुआ डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग हुआ डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग ऐसा हुआ कि हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड से चले अकाउंटिंग रिकॉर्ड से चले ऑडिट एविडेंस के तरफ कि मैंने पहले कुछ चीजों को सिलेक्ट किया मैंने सैम्पलिंग करके कुछ चीजों को सिलेक्ट किया गोडाउन में दिख रही है क्या गोडाउन में दिखी मतलब एग्जिस्टेंस नहीं दिखी मतलब नहीं है अरे सबको क्लियर है क्या अब सुनो इंटरेस्टिंग अब मुझे अब हैव टू अंडरस्टैंड फील इट नाउ अब ये लिस्ट है लिस्ट में जो दिख रहा है नाउ सेकंड सिचुएशन लिस्ट में जो दिख रहा है उस पर शक नहीं है इसमें कुछ छूट गया है इसमें कुछ छूट गया है इसमें कुछ मिसिंग है यह मेरे को रिस्क है रिस्क रिस्क कंप्लीटनेस, कंप्लीटनेस, अरे इसको क्या चेक करूं इसमें नहीं है इसमें से कुछ छूट गया है समथिंग इज मिसिंग अब मैं उल्टा करूंगा मैं गोडाउन में जाऊंगा गोडाउन में से पचास इन्वेंट्री सिलेक्ट करूंगा गोडाउन में से 50 इन्वेंट्री सिलेक्ट करूंगा और पूछूंगा ये लिस्ट में है कि नहीं है अगर है मतलब लिस्ट कंप्लीट है और अगर नहीं है मतलब लिस्ट इनकम्प्लीट है वंस अगेन ठीक है मैं पता हूँ एक बार सुनने के बाद एकदम से हिट नहीं होता कॉन्सेप्ट इट इज़ ओके okay. इसलिए मैंने बोला कलाकृति बनाते थोड़ा और माहौल बनेगा अब मैं वापस बता रहा हूं फिर आपको एक पैरल एग्जांपल और दूंगा वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट लेकिन कॉमन सेंस बहुत चाहिए जो टेक्निकल वर्ड में घुसा वो घुस जाएंगा जो कॉमन सेंस से चलेंगा वो बच जाएगा वापस मुझे डर है कि ये लिस्ट में जो है वो तो ठीक है लेकिन इसमें कुछ मिसिंग है अब कैसे पता करूं तो मैं गोडाउन में जाऊंगा वहां से 50 आइटम सिलेक्ट करूंगा और देखूंगा लिस्ट में है क्या अगर लिस्ट में दिखे मतलब लिस्ट कंप्लीट है लिस्ट में नहीं दिखे मतलब लिस्ट इनकम्प्लीट है नाउ यहां पे हमारा डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग बदल गया भाई तेरे पास तो क्या ये खेलता रहता है तू इधर से उधर हमारा क्या बोले तुम्हारे पास भी जुगाड़ रहता है कुछ ना कुछ डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग है आपका आपने रैंडमली एविडेंस से चीजें सिलेक्ट की और आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे गए किस पे गए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पे आपको और एक पैरल एग्जांपल दूंगा तो और क्लैरिटी मिलेगी नो लिसन एक पैरल एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों का ठीक है अपने क्लास के बच्चों की एक लिस्ट है

और वो वेंचर कैपिटलिस्ट आता है वो बोलता है कि ये जो लिस्ट तुम बता रही है नकली है हमको ये लिस्ट चेक करनी है मतलब ये लिस्ट के अंदर जो आपने बच्चे लिखे हैं वो हो सकता है एग्जिस्ट करते नहीं है तो आप क्या सब भूलो कॉल टेक्निकल वर्ड्स आप क्या बोलोगे चलो बोले क्या बात कर रहे हो यार लिस्ट में से तुम कुछ बच्चों को सिलेक्ट करो लिस्ट में से तुम पचास बच्चों को सिलेक्ट करो और तुम क्लास में जाके उनसे मिलो अगर क्लास में तुमको बच्चे दिख रहे हैं मतलब ये लिस्ट सही है इसमें कोई नकली बच्चा नहीं है डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग क्या हुआ लिस्ट में से सैंपल सिलेक्ट किया और एविडेंस से मैच किया और एविडेंस से मैच किया अब उल्टा ठीक है सपोज ऐसा लगता है कि वी स्मार्ट के एडमिन ने सपोज बराबर काम नहीं किया प्रोफेसर को पैसा मिलता है बच्चों के हिसाब से भाई बराबर काम नहीं किया लिस्ट इनकम्प्लीट है लिस्ट इनकम्प्लीट है लिस्ट करेक्ट अब लिस्ट इनकम्प्लीट है ऐसा लग रहा है कहाँ बोले तुमको लगता है कि कुछ बच्चे बैठे हैं है क्लास में लेकिन लिस्ट में नहीं है हिसाब में नहीं है तो उल्टा करो अभी जाओ क्लास में से तुम रैंडमली पचास बच्चों को सिलेक्ट करो और तुम देखो कि वो लिस्ट में उनका नाम फ़ोन नंबर है कि नहीं है अगर है मतलब लिस्ट कंप्लीट है नहीं है मतलब लिस्ट इनकम्प्लीट है बोलने का मतलब जैसे ही असर्शन बदल जाता है उसको चेक करने का तरीका बदल जाता है अरे हवा लग रही है क्या एग्जिस्टेंस को चेक करने का तरीका अलग है लिस्ट को बेस बनाओ एविडेंस से मैच करो अकाउंटिंग रिकॉर्ड टू डायग्राम दिमाग में आना चाहिए एग्जिस्टेंस ऐसा अकाउंटिंग रिकॉर्ड टू ऑडिट एविडेंस अरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड टू ऑडिट एविडेंस लेकिन अगर कंप्लीटनेस में है कि भाई लिस्ट इनकम्प्लीट तो नहीं है बेस किसको बनाओ ऑडिट एविडेंस सैंपलिंग कहां करो ऑडिट एविडेंस मैच किससे करो अकाउंटिंग रिकॉर्ड वो समझाना चाहते एग्जाम्पल दे दे के कि जैसी असर्शन बदल जाता है तो चेक करने का तरीका बदल जाता है आपका ऑडिट एविडेंस बदल जाता है रेलिवेंट एविडेंस चेंजेस रेलेवेंट एविडेंस चेंजेस इसीलिए ऑडिटर्स को समझना जरूरी है हर चीज़ को चेक करने का तरीका अलग है कभी कभी लोग क्या करते बस एक चेकिंग करके आ जाते रैंडमली कुछ इन्वेंट्री सिलेक्ट की और गोडाउन में जाकर चेक कर लिया हो गया बोले ऑडिट अरे पगले रिस्क एग्जिस्टेंस में नहीं थी रिस्क तो कंप्लीटनेस में थी तू जो चेकिंग करके आया वो आधी अधूरी है बेमतलब की है क्योंकि रिस्क तो कुछ और था अरे रिस्तो कुछ और था हवा ले गए भाई यस yes, नो no? yes, no. अरे यस नो ओके तो इन्होंने बड़ा प्यारा सा एग्जाम्पल दिया बस इस कॉन्सेप्ट में रेलेवेंट कॉन्सेप्ट में वो क्या समझा रहे ध्यान दो ऑडिटर्स जो एविडेंस पर्पस को कवर करे रिस्क को कवर करे वो एविडेंस कौन सा एविडेंस है रेलेवेंट एविडेंस अगर रिस्क एग्जिस्टेंस में है और एग्जिस्टेंस को कवर करने वाला एविडेंस लेकर आए तो वो कौन सा हुआ रेलिवेंट एविडेंस रिस्क अगर कंप्लीटनेस में है कंप्लीटनेस को कवर करने वाला एविडेंस लेकर आए तो वो कौन सा एविडेंस है रेलिवेंट एविडेंस और वो एग्जाम्पल दे देकर इस चीज को बताते कि एग्जिस्टेंस के लिए रेलेवेंट एविडेंस अलग होता है और कंप्लीटनेस के लिए अलग होता है अरे हवा लगी क्या हवा लगी क्या यस यस नो नो अरे ओके पांच मिनट बाकी है नहीं आखिरी आखिरी में किस्सा नहीं सुना था वो किस्सा सुनाया तो फिर खींचने के लिए मिलता ना ठीक है अच्छा अपने को ब्रेक का टाइम इतना ही रखना है थोड़ा कम ज्यादा करना है सरम रिलैक्स रहते जीने को कुछ मिलता बातचीत करते रिलैक्स होते क्योंकि ब्रेक के बाद का घंटा खत्म कैसे होता समझ में ही नहीं आता। खत्म। क्या अच्छा मैम ने एक डाउट पूछा चलो चलो कोई चर्चा ही कर ले अगर गलती मिली तो क्या होता है चलो आप बताएं गलती मिली तो क्या होता होगा आपको गलती मिली आपको पता चला कि पचास लाख की इन्वेंट्री नकली है या पचास लाख की इन्वेंट्री कंप्लीटनेस में नहीं आती है तो क्या करेंगे गलती पता चले तो क्या करेंगे टिकमार्क करेंगे बोले रिमार्क देंगे गलती मिलती है तो हम एक जगह पे टीम में एक बंदा होता है जहाँ पे जो सभी गलतियों का रिकॉर्ड रखता है एक हफ्ते बाद हम सभी गलतियां मैनेजमेंट के पास लेकर जाते हैं उनको बोलते इसको रेक्टिफाई करो उसको रेक्टिफाई करो हर हफ्ते उनको बोलते ये गलतियां मिली रेक्टिफाई करो अगर उन्होंने रेक्टिफाई कर दिया तो ठीक है नहीं तो फिर हम ऑडिट रिपोर्ट में उसको लिखते हैं ऑडिट रिपोर्ट में लिखेंगे कि ये ये चीज़ें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलत है ठीक है सर और एक चीज़ बोल रहे हैं बोले रिपोर्ट पे साइन करने के बाद गलती पता चली तो क्या होगा निसन वेरी गुड अभी एक ऐसे में आता है कभी रिपोर्ट पे साइन करने के बाद आपको गलती पता चली हम भागते हैं मैनेजमेंट की तरफ और मैनेजमेंट को बोलते देख अभी तक एजीएम नहीं हुई है ये गलती को ठीक करते तू नया रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना मैं को रिवाइज्ड ऑडिट रिपोर्ट दे दूंगा मैनेजमेंट अगर मानता नहीं है तो सेक्शन 146 लगाते पता है क्या सेक्शन 146 कौन बताएगा अबे क्या पता नहीं हो बे पढ़ के आए हो तुम और अभी, अभी अभी पढ़ा अभी नहीं पढ़ा होगा थोड़ा पहले पढ़ा 143 146 ऑफ कंपनीज एक्ट 146 ऑफ कंपनीज एक्ट राइट टू अटेंड एजीएम एनी जनरल मीटिंग वी हैव राइट टू बी हर्ड एट एजीएम एजीएम में जाकर बोलते रिपोर्ट दे चुके थे हम गलती हुई है हमारे हाथ से सबके सामने एक्सेप्ट करते हैं और बताना चाहते हैं कि इनकी इन्वेंट्री इतने करोड़ से गलत है वी गो एंड स्पीक एट एजीएम कभी अगर आपको बाद में पता चला और मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो एजीएम में जाके एक्सपोज करते उसको कि भाई सुन ले ऐसी ऐसी गलती है ठीक है चलो हो गया टाइम वी गो फॉर अ ब्रेक आने के बाद उसको कंप्लीट करते हैं कल आप लोगों का टेस्ट है उसका ध्यान रखना बिंदास लिखना टेस्ट घबराने का नहीं उड़ा दिया तो ऐसा नहीं होता भाई उड़ा उड़ा दिया ऐसा उड़ा उड़ा दिया

हेलो 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 एवरीवन आई होप खाना कम खाया होगा खाना खाने के बाद थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक सुनते कि नहीं सुनते दोस्तों म्यूजिक का भयंकर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है मूड लाइट रखने के लिए टेंशन से दूर रहने के लिए स्ट्रेस से दूर रहने के लिए तो आपने म्यूजिक सुनना चाहिए श्रद्धानुसार जिसको जैसा पसंद है वैसा ठीक है सुनना चाहिए मैंने क्लास में हर रोज सुनाना चाहिए ऐसा नहीं बोला मैंने ऑडिट के लिए अगर कोई टेक्निकल डिफिकल्टी है तो एक नंबर है नाइन थ्री डबल टू जीरो डबल वन नाइन वन फाइव ये एडमिन का ऑडिट का अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो ये नंबर है ऑनलाइन वालों भी आप ध्यान रखिए तो ये नंबर पे आप 11 बजे से लेके 6 बजे तक 11 टू सिक्स अपना जो नागपुर का ऑफिस है 11 से 6 वहाँ पे टाइम चलता है करेक्ट उसके पहले या बाद में आप फ़ोन करेंगे तो कोई उठाने वाला नहीं है हाँ कॉल बैक आएगा आपको लेकिन बच्चे फ्रस्ट्रेड हो जाते दस बजे फ़ोन मारते सुबह फिर मेरा फ़ोन बजाते फिर मैं उठाता नहीं फिर और फ्रस्ट्रेड हो जाते लेकिन मैं उठाऊंगा तो फिर तुमको पढ़ाएंगा कौन बराबर चलिए क्या बोल रहे हैं नागपुर में अजनी स्क्वेयर हल्दीराम के पास अब नागपुर के गए मैडम सदर नाइन थ्री इन थ्री डबल टू जीरो डबल वन नाइन वन फाइव ओके क्या नहीं नहीं मेरे पास भी रहता है लेकिन जो पोस्ट पोस्ट डाल मतलब लॉग इन और भी लोगों के पास है ठीक है हमको भी दे दो यस मैम आइए एविडेंस हो तो कैसा हो सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट। अरे एविडेंस हो तो कैसा हो सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट। सफिश मतलब क्वांटिटी, अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी क्वालिटी मतलब दो चीजें कौन सा रिलायबल और रिलेवेंट रिलायबल एविडेंस सबसे रिलायबल कौन सा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन उसके बारे में सोचो सारे रिलायबिलिटी के फैक्टर्स तुमको मिल जाएंगे अभी हम लोग रिलेवेंस पे चर्चा कर रहे हैं जिस असर्शन में रिस्क है उसी का एविडेंस चुन के निकालो तो वो कौन सा एविडेंस है रेलेवेंट कंप्लीटनेस में डाउट है तो कंप्लीटनेस के लिए एग्जिस्टेंस में डाउट है तो एग्जिस्टेंस के लिए इन्वेंट्री के लिस्ट के एग्जिस्टेंस में डाउट है इन्वेंट्री के लिस्ट में एग्जिस्टेंस पे डाउट है तो डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग कैसे होगा वापस अभी पढ़ा था ब्रेक के पहले इन्वेंट्री किसमें डाउट है अरे किसमें डाउट है एग्जिस्टेंस में डाउट है कि ये जो इन्वेंटरी दिख रही है है कि नहीं है सैंपल कहां सेलेक्ट करेंगे अकाउंटिंग रिकॉर्ड जाए किससे मैच करेंगे ऑडिट एविडेंस गोडाउन में इन्वेंटरी है कि नहीं है अगर रिस्क इसमें कंप्लीटनेस अगर रिस्क इसमें कंप्लीटनेस कि भाई ये लिस्ट में कुछ मिसिंग तो नहीं है तो जाके सैंपल कहां से चुनेंगे गोडाउन से और देखेंगे कि लिस्ट में आया कि नहीं।, नहीं आया अरे हवा लगी है क्या ये कॉन्सेप्ट एक बार देखा किसी का मिस हुआ है तो यूट्यूब के ऊपर अभी लेक्चर है आपने उसको अच्छे सुनना चाहिए शायद ऑडियो भी मैं दूँ ऑडियो उतना डिटेल में होता नहीं है लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो सबने देखना चाहिए अब इसी चीज़ को इसी चीज़ को वो लोग और दूसरे फाइनेंशियल आइटम में डालते लेट्स सी दिस थिंग लेट्स सी दिस थिंग फ्रॉम क्रेडिटर पॉइंट ऑफ व्यू वर्ट पॉइंट ऑफ व्यू क्रेडिटर पॉइंट ऑफ व्यू लेट्स सी आइए ड्राइंग को हम लोग कलाकृति को और आगे बढ़ाते कुछ लोग बोलते कलाकृति होता क्या है ड्राइंग कलावती नहीं ठरकी लोग बोले गाइज अभी हमारा टेक ऑफ पीरियड चल रहा है सब्जेक्ट में सब्जेक्ट में मज़ा आना जरूरी है तो अपन लोग एग्जाम्पल प्रैक्टिकल एक बार बेस बन जाएगा तो फिर अपने आप अपन और स्पीड को बढ़ाते हैं जब स्पीड बढ़ेगी तो आपको समझ में आने वाला नहीं है कि कब गियर चेंज हो गया सिर्फ आपको दिखेगा कि अब ऑडियो बड़े बनने लगे हैं ठीक है पहले दिन का ऑडियो था तीन मिनट का फिर अगले दिन का छः सात मिनट का हुआ कुछ फिर दस मिनट का हुआ कल का था तेरह मिनट का तो वो बराबर अपने हिसाब से कॉन्सेप्ट जब आपको दिखे कि ऑडियो और बड़े बन रहे मतलब आज कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा थे लेकिन कुछ कुछ कॉन्सेप्ट इतने उसमें आपको आपको लगेगा समय दे दिया असर्शन समझाने में लेकिन असर्शन जिसको एक बार समझ में आ गया क्योंकि बार बार ये शब्द आपको हर जगह मिलने वाला है अब असर्शन मैंने बोला ही हर फाइनेंशियल डेटा से जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकल कर आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं असर्शन ये आपके ऑडिट प्रोसेसर को बहुत स्पेसिफिक और टू द पॉइंट बनाता है आपको एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाता है नाउ अगर अपन क्रेडिटर की बात करें किसकी बात करें क्रेडिटर आप थोड़ा सोच कर देखिए क्रेडिटर अल्टीमेटली बनता है परचेस से अरे किससे बनता है परचेज से थोड़ा परचेस का प्रोसेस मैंने बहुत बार बता दिया दो तीन बार बता दिया अगर परचेस करना है, पहले क्या बनता है पी आर एन परचेस रिक्वेशन नोट फिर कंपनी के लोग क्या मंगवाते कोटेशंस उसमें से बेहतरीन सबसे सही माल कौन दे रहा है सबसे कम रेट में अच्छी क्वालिटी हम सिलेक्ट करते और क्या प्लेस करते परचेस ऑर्डर फिर सामने वाला बंदा गुड्स को भेजता है हमारे कंपनी में उतरता है तो फिर क्या बनता है जी आर एन गुड्स रिसीव नोट रिसीव नोट बनता है यही पे क्वालिटी चेक रिपोर्ट या इंस्पेक्शन रिपोर्ट भी बनती है क्या बनती है अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट अब प्लीज now, थोड़ा सा और कॉमन सेंस में चलिए इंस्पेक्शन रिपोर्ट का और इंस्पेक्शन का कोई लेना देना नहीं है कॉमन सेंस है कि भाई क्वालिटी चेक करके जो रिपोर्ट बनी वो कौन सी रिपोर्ट थी इंस्पेक्शन प्लीज यूज कॉमन सेंस भर भर के अगर बहुत सर इंस्पेक्शन वर्ड आ गया इसका उस अरे कोई रिलेशन ही नहीं है भाई समझ रहे क्या आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनती है फिर कहाँ पे एंट्री होती है स्टॉक रजिस्टर में कहा एंट्री होती है स्टॉक रजिस्टर में फिर क्या आता है परचेस इन अरे क्या आता है परचेस इन स्पीकिंग परचेस इन वॉयस आपने प्राइमरी बुक्स आप फाउंडेशन से पढ़करा आए परचेस बुक में जाता है कहा जाता है परचेस बुक में प्राइमरी बुक कौन सी होती है परचेस बुक फिर वहां से पोस्टिंग होती है कहां पे आपके लेजर में और अल्टीमेटली क्या बनता है आपका क्रेडिटर आपका क्रेडिटर बनता है फिर कुछ समय बाद आप उसको पेमेंट करते हो क्या करते हो आप उसको पेमेंट करते हो चेक बनता होगा सिग्नेचर बनते होंगे पेमेंट करते हो और पेमेंट दिखते हो आपको बैंक स्टेटमेंट में कहाँ दिखते हैं बैंक स्टेटमेंट में आर यू गेटिंग दिस पॉइंट यस नो जो आखिरी में क्रेडिटर बच जाते हैं हम पूछते होंगे सप्लायर को भाई सही में इतना आउटस्टैंडिंग है क्या हम लोग उनसे एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मांगते क्या मांगते एक्सटर्नल कन्फर्मेशन तो क्रेडिटर के बारे में मेरे को सोचना था तो मैंने बोला क्रेडिटर कैसे बनता परचेस मैंने पूरा परचेस खोल दिया इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है और इतने सारे रिकॉर्ड्स है जो बनते हैं परचेस करते वक्त और जो कनेक्टेड है किससे क्रेडिटर से, से. गोडाउन में क्या था सिर्फ इन्वेंट्री थी गोडाउन में क्या था सिर्फ इन्वेंट्री थी वो सामने दिख रहा था कि ये इन्वेंट्री की लिस्ट है और ये गोडाउन है तो एकदम जो सिंपल वाला एग्जांपल था उससे शुरुआत की कॉन्सेप्ट सेम रहने वाला है अभी सिर्फ आपके गोडाउन में इन्वेंट्री के जगह आपके पास में ढेरों रिकॉर्ड आ गए क्रेडिटर से कनेक्टेड आपके पास में बहुत सारे रिकॉर्ड आ गए अब आप देखो आपकी एविडेंस की लिस्ट में क्या क्या आ रहा है मतलब अगर आपको परचेस और क्रेडिटर से रिलेटेड एविडेंसेस देखने तो आपका पहले क्या बनता है पी आर एन उसके बाद में क्या आते हैं कोटेश फिर आप क्या करते हो परचेस ऑर्डर गुड्स कंपनी में तो क्या बनता है जी आर एन और क्या बनता है इंस्पेक्शन रिपोर्ट क्वालिटी चेक रिपोर्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट कुछ भी बोलो कोई लॉ थोड़ी है भावनाएं हैं ठीक है कॉन्सेप्ट है इमेजिनेशन है इंस्पेक्शन रिपोर्ट है इंस्पेक्शन रिपोर्ट के बाद में कहा एंट्री होती है स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक रजिस्टर में एंट्री होती है फिर उसके बाद में आपका क्या आता है परचेस इनवॉइस परचेस इनवॉइस आया परचेस इनवॉइस की एंट्री कहा होती है परचेस बुक परचेस बुक से पोस्टिंग कहां पे होती है क्रेडिटर्स लेजर क्रेडिटर्स के लेजर में पोस्टिंग होती है ठीक है फिर उसके बाद में पेमेंट होता है क्या होता है पेमेंट चेक से पेमेंट होगा ऑनलाइन ट्रांसफर होगा कैश पेमेंट होगा जैसा भी होगा पेमेंट होता है और आपको जनरली ये बैंक स्टेटमेंट में दिखेगा कहाँ दिखेगा बैंक स्टेटमेंट में और जो बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस बचता है उसके लिए हम लोग एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ले सकते हैं क्या ले सकते हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भाई साहब परचेस से रिलेटेड इतने सारे डॉक्यूमेंट बनते हैं मतलब एक परचेस को अगर आपको चेक करना है किसको चेक करना है परचेस को और उससे बने हुए क्रेडिटर को तो इतने सारे डॉक्यूमेंट से मैं मैच कर सकता हूँ आपने एक सत्तर लाख का परचेस निकाला और उसकी हर चीज मिली आपको आपको उसका पी दिखा उसके कोटेशन दिखे उसका पी दिखा उसके उसका जी दिखा क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिखा इनवॉइस दिखा परचेस बुक में एंट्री दिखी उसका पोस्टिंग दिखा पेमेंट दिखा बैंक स्टेटमेंट में सत्तर लाख दिखे आपको वेरी हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस हो जाएगा कि ये परचेस सही है यह परचेस सही है और परचेस सही है साथ में उससे कनेक्टेड उसका क्या है क्रेडिटर परचेस का दूसरा इफेक्ट क्या है क्रेडिटर क्रेडिटर भी सही है बस इन्वेंट्री में सामने एक छोटी सा गोडाउन था वो एविडेंस था यहां पे हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है यहां पर भी सेम गाइस यहां पर भी सेम यहां पर भी सेम चीज है अब दो रिस्क हो सकती है दो रिस्क हो सकती है क्या रिस्क देखिए रिस्क वन हो सकता है हो सकता है हमको लगे कि क्रेडिटर्स नकली है क्रेडिटर्स नकली है तो क्रेडिटर्स के एग्जिस्टेंस में रिस्क है किस में रिस्क है एग्जिस्टेंस अरे जैसे इन्वेंट्री नकली होने का रिस्क है इन्वेंट्री <laughs> नकली होने का रिस्क है वैसे ही क्रेडिटर्स भी नकली होने का रिस्क है यस yes, नो no? yes, अच्छा मैं आपको बता दूं मार्केट में दोनों तरह के मैनुपुलेटर्स होते हैं कुछ मैन्युपुलेटर्स होते हैं जो प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाना भर भर के प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं कंपनी को बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं क्योंकि मार्केट में फिर शेयर का प्राइस बढ़ेगा और उनको फंडिंग मिलेगी ज़्यादा मिलेगी ऐसे मैन्युपुलेटर्स भी होते हैं ये लोग ज़्यादा टैक्स भरते हैं, लेकिन उनकी पैसा रेस करने की ताकत बढ़ जाती है आज भी बहुत सारे बिजनेसमैन जानबूझ के टैक्स भरते क्यों आई टी आर स्ट्रांग होता है समझता है आपको जिसका आई टी आर स्ट्रॉन्ग होता है वो बैंक से बहुत ज्यादा फाइनेंस उठा सकता है बैंक वाला जो फाइनेंस देते सीधा क्या देख कर देते आई टी आर तो बहुत सारे लोग तो झूठा प्रॉफिट दिखाते झूठा प्रॉफिट दिखाते टैक्स भरते ताकि क्या उठा सके लोन दूसरे मैन्यूपुलेटर भी रहते मार्केट में जान बूझ कर लॉसेस दिखाते ताकि क्या कम भरना पड़े टैक्स जानबूझ के रेवेन्यू कम दिखाएंगे ताकि जीएसटी कम भरना पड़े जान बूझ कर प्रॉफिट कम देने ताकि इनकम टैक्स कम भरना पड़े अब यहाँ पे क्रेडिटर के मतलब क्रेडिटर्स की लिस्ट नकली लग रही है कि भाई इसमें से कुछ क्रेडिटर्स नकली है इसी को और टेक्निकली कैसा बोलते हैं आपको पता है? अच्छा मुझे बताओ क्रेडिटर्स नकली लग रहे हैं क्रेडिटर्स नकली लग रहे इस सिचुएशन को तुम क्या बोलोगे क्रेडिटर्स आर ओवर स्टेटेड कि क्रेडिटर्स आर अंडर स्टेटेड क्र वापस क्रेडिटर्स नकली लग रहे हैं क्रेडिटर्स नकली लग रहे हैं इसमें से कुछ झूठे क्रेडिटर्स हैं दिस सिचुएशन क्या मतलब क्रेडिटर्स को ज्यादा करके बताया गया है कि क्रेडिटर्स को कम करके बताया गया है ओवरस्टेटेड और अंडरस्टेटेड कितने लोग बोलते हैं ओवरस्टेटेड कितने बोलते हैं अंडरस्टेटेड ओके इसको हम बोलेंगे इसमें से कुछ क्रेडिटर्स नकली है मतलब क्रेडिटर्स को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है दिस इज सिचुएशन दैट क्रेडिटर्स आर ओवर स्टेटेड क्रेडिटर्स मतलब ही इसको हम लोग बोलेंगे इसी सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे क्रेडिटर्स आर ओवर स्टेटेड मतलब आपको टर्मिनोलॉजी समझो कभी आपको ऐसा दिखा कि कोई चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिखा है कोई चीज को बढ़ा चढ़ा कर दिया है मतलब ही वो नकली है मतलब ही वो नकली है मतलब रिस्क किसमें है एग्जिस्टेंस में अरे मतलब रिस्क किसमें है एग्जिस्टेंस में डू यू अग्री विथ मी यस नो ओके अब और एक रिस्क हो सकती है दूसरी रिस्क हो सकती है सेकेंड रिस्क रिस्क नंबर टू में बोलूंगा कि जो क्रेडिटर की लिस्ट है क्रेडिटर्स के कंप्लीटनेस में प्रॉब्लम है अरे किसमें प्रॉब्लम है कंप्लीटनेस मतलब क्रेटर्स की लिस्ट है कुछ क्रेटर्स मिसिंग है क्रिस क्रेडिटर छूट गए हैं इसका मतलब क्या है क्रेटर्स आर अंडरस्टेटेड देखो ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है हो सकता है एक बार में समझ में आए हो सकता है कि एक बार में समझ में ना आए देखो ऑडिट थेरी सब्जेक्ट है बीच में झूलना इज नॉर्मल जब तक अपने को सब समझ में आ रहा है कोई चिंता की बात नहीं है और समझ में नहीं आया तो अपन ने पहले क्लास के बाद पूछने का सर इसमें क्या हुआ था तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है नाउ अब यहाँ पर चेक करने का तरीका कैसे होगा वापस दो रिस्क है या तो क्रेटर्स नकली है मतलब किस में रिस्क है एग्जिस्टेंस क्रेडिटर्स आर ओवर या तो क्रेडिटर्स कंप्लीट नहीं है मतलब क्रेडिटर्स आर अंडर अब कौन मुझे बताएगा कि अगर क्रेडिटर्स के एग्जिस्टेंस में रिस्क है क्रेटर नकली लग रहे मुझे मैं उसको कैसे चेक करूं यस मैडम क्रेडिटर्स की लिस्ट में जाएंगे बिल्कुल सही उसमें से रैंडमली सैंपल चुनेंगे पचास क्रेटर creator, हाँ क्रेडिटर्स में जाएंगे उसमें से लिस्ट को चुनेंगे और जाकर देखेंगे कि ये क्रेडिटर से अगर परचेस किए थे तो उसका पी आर एन दिख रहा कि नहीं दिख रहा परचेस ऑर्डर दिख रहा कि नहीं दिख रहा जी आर एन दिख रहा कि नहीं दिख रहा स्टॉक रजिस्टर में एंट्री आ रही कि नहीं आ रही इसका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ एक्सरह कंफर्मेशन नजर आ रहा कि नहीं आ रहा मतलब डायरेक्शन ऑफ चेकिंग क्या था डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अरे किसको चुना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स उसमें से क्या चुना सैंपल और उसको मैच किससे किया ऑडिट एविडेंस से अरे समझा क्या सेम इन्वेंट्री का एग्जाम्पल है सिर्फ जो एविडेंस का नेचर था वो बदल गया एविडेंस जो मैंने सामने रखा था आपके वो मैंने अलग रखा देखो और एक चीज अभी क्लास के बाद बहुत डिस्कशन आप जब सोचते हो तो आपके दिमाग में बहुत सारे अलग अलग थॉट आ सकते चेक करने के बिल्कुल सही है लेकिन जिसने थेरी लिखी जिसने ये कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट लिखा उसने कुछ सोच के लिखा अपने दिमाग में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे हमको हमारे विचारों को स्ट्रीमलाइन करना है ठीक है मैं समझ गया तूने ये सोच के लिखा था मैं मेरे इमेजिन को स्ट्रीमलाइन कर लेता हूँ मैं भी इस तरह के एग्जाम्पल दूंगा आपको कोशिश करनी है कोशिश करनी है वी आर ह्यूमन बींग्स बराबर क्रिकेटर भी बॉलिंग डालते हैं हर बार बराबर बॉलिंग होंगी वही पे रहेगा पिच होगा ज़रूरी नहीं है हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो नॉलेज है हमारा जो कंटेंट है वो जितना हमारे बुक से नज़दीक चले जितना स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग से नज़दीक चले हम चलाने की कोशिश करते हैं चला तो बहुत बढ़िया नहीं चला तो मैं आपको बताता हूँ आप अगर लॉजिकल कॉन्टेंट लिखते हो मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं और घबराना नहीं चाहिए ऑडिट सब्जेक्ट से अगर आपका नॉलेज बहुत स्ट्रांग है तो तीस मार्क क्या है एम सी क्यू चौदह मार्क क्या है करेक्ट इनकरेक्ट अगर तीस मार्क में से बताओ कितना कमाओगे तीस में से बीस से पच्चीस बीस से पच्चीस आप एम सी क्यू में बोल रहा हूं मैं किसान लेकर 20 से पच्चीस चलो आप कुछ तो बोल रहे हो पच्चीस से तीस सोचते मैं थोड़ा बोल रहा हूं किसने लेके 20 से पच्चीस करेक्ट और इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट में ट्रू फॉल्स में चौदह मार्क होते ठीक है कितना चलो बारह चौदह ज़्यादा हो जाएगा दस से बारह भी ज़्यादा हो जाएगा आठ से दस ले लो। करेक्ट लोअर साइड में कितना हो गया ट्वेंटी एट हायर साइड में कितना हो गया थर्टी फाइव अब आपकी जो थेरी होती है आपकी थेरी जो होती है मैं आपको बताता हूं मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके नए कोर्स के मॉड्यूल्स है कम से कम 60% परसेंट क्वेश्चन आएंगे 60 कम से कम से एकदम गारंटी और अपने क्वेश्चन बैंक से 95 से 100% परसेंट क्वेश्चन से छपेंगे गारंटी नहीं तो पैसे वापस मैं आपको बताना चाहता हूं कि चीजें डिफिकल्ट नहीं है हम टेंशन बहुत ज्यादा लेते और टाइम वेस्ट करे दे स्ट्रेस में मेहनत कम करते हम टेंशन लेने में टाइम एनर्जी सब वेस्ट कर लेते और मेहनत करने कम होती पूरा फंसता नहीं है अगर ओ भाई चौदह फोर्टी फोर इधर हो गए तो कितने बजे फिफ्टी सिक्स छप्पन में से छप्पन आपको पूरे क्वेश्चन मैच हो गए और सब आपको याद आया ऐसा बहुत रेयरली होता है अगर आपको छप्पन में से ठीक है छप्पन में से अगर आपको अगर मैं बोलूं अराउंड फोर्टी मार्क्स के भी क्वेश्चन अच्छे से आते हैं मतलब एकदम बैंग ऑन टारगेट आते छब्बीस मार्क आप जुगाड़ करने वाले हो अरे छब्बीस मार्क आप जुगाड़ करने वाले हो। अगर मैं थेरी में आप बताओ फोर्टी अगर आपको बहुत अच्छे से आ रहा है उसमें से कितना कमाओगे नहीं मिलते फुल मार्क्स भाई किसी को फोर्टी में से आप सेवेंटी फाइव टू एट्टी परसेंट ला सकते हो ठीक है 80 परसेंट कितना होता है बत्तीस आप ठीक है ना भाई इसमें से अपन पकड़ लो ठीक है पच्चीस से तीस पच्चीस से तीस अब आपका छब्बीस मार्क जय माता दी होता है छब्बीस मार्क आपका जय माता दी नहीं उसमें भी आपको बता रहा हूं एकदम गोल्डन रूल ऑडिट के फेजेस पड़े ना अपन ने, वो घुमा फिरा के लिख देने के कुछ ना कुछ फंस ही जाता ऑडिट के फेस को ऑडिट कैसे परफॉर्म करते उससे कनेक्टेड तुमने लिखा तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो फंस जाता और अगर आपने डेढ़ पेज खींच लिया तो मैं बोलता हूं सहानुभूति में ठीक है सिंपति में तुमको एक मार्क मिल जाता वो एक मार्क एक नहीं रहता वो पच्चीस परसेंट रहता नहीं आता था तुमको लेकिन तुमने हिम्मत नहीं आ रही और तुमने छापा और छाप छाप के डेढ़ पे छापा अच्छा जो छापा वो सही है सिर्फ रेलेवेंट नहीं है जो छापा टेक्निकली सही है सिर्फ रेलेवेंट नहीं है तो भी आपको एक मार्क मिलता है तो आप अगर 26 परसेंट छब्बीस मार्क का आप पकड़ लो आप कमाओगे 30 परसेंट अगर कमाओगे कितना थर्टी परसेंट सोलह 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 बराबर 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 सोलह तो थर्टी परसेंट ठीक है सपोज आपको आठ से दस आया करेक्ट आठ से दस आया अब लगाओ टोटल कितना हो गया भाई अट्ठाईस सिक्सटी सिक्सटी वन सिक्सटी टू चलो पढ़ाई छोड़ो बोले सिक्सटी वन और इधर सेवेंटी फाइव ओके चलिए इसमें बहुत सारे अजम्सन है <laughs> ये अजम्पन है कि आपने सब कुछ पढ़ा है आपको सब कुछ याद है और आपको अच्छे से लिखना आता है लेकिन बता रहा हूं चलो ये इतना मुश्किल भी नहीं है आसान है, आसान है आसान है आए। आए। पागल हो गए लोग तुमने पागल किया हमको चलो ध्यान दो फटाफट ना लिसन। ध्यान देंगे यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग है अगर मुझे चेक करना है सही में क्रेडिटर्स है क्या तो मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड से चुनूंगा क्रेटर्स को और उसको मैच करूंगा मैं ऑडिट एविडेंस से किससे मैच करूंगा ऑडिट एविडेंस से इज एवरी वन क्लियर अबाउट दिस यस नो ओके अपोजिट अब उल्टा मुझे बताइए अगर मुझे लगता है कि कुछ क्रेटर्स मिस हो गए कुछ क्रेटर्स मिस हो गए मतलब किसमें हमको डर है कंप्लीटनेस हमको लगता है क्रेटर्स आर अंडर स्टेटेड छुपाया गया क्रेटर्स को अब क्या करोगे क्या करोगे आप बोल रहे ऑडिट एविडेंस को बेस बनाओगे मतलब क्या मतलब क्या रैंडमली रैंडमली परचेस इनवॉइस निकालूंगा देख इसकी अकाउंटिंग हुई की

रैंडमली क्या सिलेक्ट करेंगे परचेस इन वॉयस रैंडमली जी आर एन को सिलेक्ट करते सबसे पॉपुलर है क्योंकि जी आर एन सबसे इंपॉर्टेंट वो प्रूव करता है गुड्स आए जी आर एन को सिलेक्ट कर रैंडमली परचेस इनवॉयस को सिलेक्ट कर रैंडमली कुछ लोग पेमेंट को बेस बनाते अगर ये पेमेंट हुआ था तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग क्रिएटर था कि नहीं था तो आपका यहां पर डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग आपका यहां पर डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग भाई मैं आपको सच बता रहा हूँ इतना सीख लिया ना फाइनल के बच्चों को कभी कभी नहीं आता है उनको ये नहीं समझता व्हाट डू मीन बाय डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग आप जाके उनको सिखा सकते सच बता रहा देखो मैंने एरो गलत निकल दिया ज़्यादा सीख लिए बोले आप आसान है आसान है चलो छापो है पूरा अभी दिख रहा है क्या पूरा आप दिख रहे हो बोले सर ऐसे चीटियां चल रही है बोले थोड़ा मन से भी लिख सकते हो लिख लिया सबने yes, आपके लिखने के पहले ही मैं लिख लेता यस मैडम नहीं नहीं कम जर कंप्लीटनेस चेक तर पीआरएन ला बेस गिव किंवा पर्चेस इनव्हाइसला बेस घेऊ रँडमली आम्ही परचेस इनव्हाइस सिलेक्ट करू परचेस इनवॉइस घ्यायचे तिथून आम्ही पन्नास पर्चेस इनवॉइस घेणार आहे मी आणि मी बघणार आहे की बरोबर क्रेटरला अकाउंटिंग झाली की नाही झाली इनवॉईसला सिलेक्ट केलं आणि क्रेटरच्या लिस्टमध्ये मॅच केलं जी आर एनला सिलेक्ट केलं आणि क्रेडिटरच्या लिस्टमध्ये मॅच केलं जर तिथे आलं म्हणजे कम्प्लीट आहे इट इज इन्क्लुडिंग इट समजलं बरोबर देखो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट एक बार मे नाही आहे कोई बात नाही आज आपण नाही पडा मग त्याचा ऑडिओ ऑडिओ येणार मग उद्या परत एकदा रिव्हाइज होणार तर कुठे ना कुठे क्लॅरिटी अजून मिळेल नाही तर क्लास नंतर परत अजून विचार समजलं मॅडम जिनको मराठी नहीं आती कोई चिंता की बात नहीं कुछ नया नहीं बोला मैंने हाँ भाई ऑनलाइन वाले जनता मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोगों को मराठी आती नहीं है कोई बात नहीं आइए कभी महाराष्ट्र में आइए करेक्ट ओके आइए अभी थेरी पे नाउ कम टू चार्ट गाइस सुनिए रेलेवेंस के ऊपर क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन जो मुझे लगता है यहां से एमसीक्यू आ सकता है क्या आ सकता है एमसीक्यू आइए मीनिंग कौन सा एविडेंस रेलेवेंट होता है व्हेन ऑडिट एविडेंस फुलफिल्स कॉमा अचीव्स पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर देन इट इज कॉल्ड रेलेवेंट वो वो ऑडिट प्रोसीजर वो ऑडिट एविडेंस वो ऑडिट एविडेंस जो पर्पस को फुलफिल करे वो रेलेवेंट एविडेंस है पर्पस मतलब ही क्या उसको और समझा रहे व्हेन इट इज एबल टू प्रूव एविडेंस वो चीज है या तो किसी फाइनेंशियल आइटम को प्रूव करती है या फिर उसको डिसप्रूव करती है व्हेन इट इज एबल टू प्रूव और डिसप्रूव पर्टिकुलर असर्शन वेयर देर इज अ डाउट वेयर देर इज अ डाउट वापस कॉमा इट इज रेलेवेंट अब अपने लैंग्वेज में इसको करो वो एविडेंस जो पर्पस को कवर करता है या फिर वो एविडेंस जो प्रॉपर असर्शन को कवर करता है जिसमें रिस्क थी जिसमें रिस्क थी उस एविडेंस को हम लोग क्या बोलते हैं रेलेवेंट एविडेंस वंस अगेन ऑडिट में आप जब जाओ जब भी जो एविडेंस लो अगर आपको दिख रहा है कि जिस असर्शन में रिस्क थी जहां पे डाउट था जहां पे इश्यू था एग्जैक्टली exactly उस पॉइंट को कवर कर रहा है हमको मदद कर रहा है उस पॉइंट को प्रूव करने में या फिर डिसप्रूव करने में ऐसे एविडेंस को हम लोग क्या बोलेंगे रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस फॉर एग्जाम्पल ऐसे थोड़ा लाइटर नोट पे करेक्ट मैंने बोला आज से कुछ समय बाद कुछ सालों बाद सिलेक्ट करोगे ना ठीक है लड़का या लड़की एज द केस मे बी मोड़ा या मोड़ी मोड़ा या मोड़ी यूपी में बोलते ना लड़कों को मोड़ा लड़के को मोड़ा. मोड़ा मोड़ा भी बोलते भाई मोड़ा या मोड़ी एज द केस मे बी सब कुछ भी मोड़ा मोड़ी ना, तो निसन सुनिए अब जिसका बायोडाटा आपको मिला है अगर उसके अलावा बाकी सबके उसके दोस्तों के इंस्टाग्राम हैंडल मिल रहे आपको इज इट अ रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस नो उसका हैंडल मिलेगा तो दैट इज अ रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस तो वो काम का एविडेंस है क्योंकि जहां पे आपके मन में सवाल था जो आपका पर्पस था जो आपको प्रूफ करना था डिस्प्रूव करना था उसके लिए एविडेंस मिलेगा तो वो क्या रहेगा आपको रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस उसके स्कूल से जानकारी मिल रही सब चीजों की उसकी जानकारी नहीं मिल रही इट इज नॉट अ रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस उसके ऑफिस वाले उसके बारे में क्या बोलो पता चला दैट इज अ रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस और आजकल मैं देखता हूं कि जनरी लोग जब भी ऐसी कुछ बातें शुरू होती है सबसे पहले तो अकाउंट प्राइवेट हो जाता है और कभी कभी तो गायब भी हो जाता है। अगर गायब हो गया है मतलब ठीक है लेकिन आज इतना सोचना नहीं चाहिए सबका थोड़ा बहुत पास तो रहता ही मेरा भी था मेरा था। पास था क्या था पास फिर मैं आपको बताऊंगा कहानी अवर हार्ट इज अ वेरी फर्टाइल लैंड वेरी फर्टाइल लैंड कोई अगर फूल मुरझा भी जाए तो चिंता नहीं करने का थोड़ा से अच्छे सीड्स डालो फर्टिलाइजर डालो खाद पानी डालो तो एक नया फूल आ जाता है लेकिन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ एक फूल होना चाहिए अगर आपको जिंदगी को सरल रखना है तो कॉम्प्लिकेट करना है जूते खाने हैं चप्पल खाने तो फिर पूरा गुलदस्ता रखो तुम बराबर ध्यान देंगे वो ऑडिट एविडेंस जो पर्पस कवर करे रिस्क कवर करे डाउट को कवर करे वो एविडेंस कौन सा है रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस अब ध्यान से सुनो यहां पे वो तीन एग्जांपल दे रहे हैं और तीनों सुनो तीनों एग्जांपल बस ये प्रूफ करना चाहते हैं कि हर असर्शन को चेक करने का तरीका अलग है हर असर्शन के लिए रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस अलग है बस यही प्रूफ करना चाहते हैं वो ठीक है मैं आपको फ्रेंकली बताऊं बहुत सारे प्रोफेसर के नोट्स में टॉपिक भी नहीं मिलता वो डिलीटेड रहता टॉपिक या फिर उसको होल्ड लेटर में लेटरी हो जाता हो कभी उसका नंबर लगता ही नहीं है लेकिन अपन पूरा हर क्वॉन्टिट अपन मॉडल से कवर किया हुआ है आइए एग्जाम्पल इन्वेंट्री वी कैन चेक एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री अब वो एग्जाम्पल दे रहे है कि देखो एग्जिस्टेंस अगर चेक करना है एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वेंट्री बाय अटेंडिंग फिजिकल वेरिफिकेशन बट इट मे नॉट बी सफिशियंट टू चेक द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री ये बोल रहे हैं कि आप जाके अगर सुनो अगर आपको डाउट किसमें है एग्जिस्टेंस में तो आप उसको चेक कर सकते हो क्या करके फिजिकल वेरिफिकेशन पचास इन्वेंट्री को सिलेक्ट करो और जाकर देखो कि फिजिकली है कि नहीं है बट दिस इज नॉट अ रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस फॉर वैल्यूएशन वैल्यूएशन के लिए आपको एक्सेल शीट लेकर बैठना पड़ेगा आपको एक्सेल शीट लेकर बैठना पड़ेगा जिसमें इन्वेंट्री की लिस्ट होगी एक कॉलम में होगा कॉस्ट और एक कॉलम में होगा कॉस्ट दूसरे कॉलम में होगा एन फिर आप देखोगे विचोर इज लोअर आप इन्वेंट्री का फॉर्मूला लगाओगे विचोर इज लोअर उससे आपको इन्वेंट्री की वैल्यू मिलेगी तो वो बताना चाहते हैं कि एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए रेलिवेंट एविडेंस अलग है और वैल्यूएशन को चेक करने के लिए रेलिवेंट एविडेंस अलग है समझ में आया क्या भाई पूरी थेरी में आपको सिर्फ एग्जाम्पल समझाना है कि वैल्यूएशन के लिए अलग रहता है और एग्जिस्टेंस के लिए अलग रहता है पहले तीसरे नंबर पे आई है तीसरे नंबर के एग्जाम्पल पे है क्योंकि ये दोनों हम देख चुके हैं ये तो मतलब इन्वेंट्री तो एंगल से देखा था हमने एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस को कंपेयर किया था किसको एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ये किसको कंपेयर कर रहे हैं एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ये किसको कंपेयर कर रहे हैं एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन जब हम लोग स्क्रिबलिंग कर रहे थे तो क्या था एग्जिस्टेंस वर्सेस कंप्लीटनेस ये किसको देख रहे हैं एग्जिस्टेंस वर्सेस वैल्यूएशन इतना भी समझ में आ गया आपको तो मैं बोल रहा हूं धन्य है अभी पढ़ाना बंद कर देना चाहिए हमने बहुत सीख लिया इतने दिनों में इतना भी समझ गया आपको और नहीं समझा थोड़ा पेशेंस रखो मुझसे बात करो वापस लेक्चर ऑडियो को सुनो तो समझ में आएगा ध्यान दीजिए चेकिंग ओवर स्टेटमेंट चेकिंग ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर बोथ दिस पर्पजेज विल हैव डिफरेंट रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर ओवर स्टेटमेंट मतलब वेदर क्रिएटर इंक्लूड फेक क्रिएटर मतलब रिस्क एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस में कि भाई लिस्ट में दिख तो रहा है लेकिन है कि नहीं है अरे रिस्क किसमें है एग्जिस्टेंस तो मैं लिस्ट में से कुछ चीजों को निकालूंगा और किससे मैच करूंगा ऑडिट एविडेंस से जो क्या लिखा है रेलवेंट ऑडिट प्रोसीजर एंड एविडेंस विल बी टू सिलेक्ट क्रेडिटर फ्रॉम बुक्स ऑफ मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड एंड देन मैच इट विद अदर डॉक्यूमेंट सच एज परचेस ऑर्डर जी आर एन को और एक नाम देते हैं रिसीविंग रिपोर्ट क्या बोलते उसको और रिसीविंग रिपोर्ट ठीक है परचेस इन वॉइस बैंक स्टेटमेंट एंड सो ऑन बोले ठीक है समझ में आ गया क्या रिस्क थी क्रिएटर ओवर स्टेटेड मतलब क्रिएटर्स कैसे फेक मतलब किसने प्रॉब्लम है एग्जिस्टेंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड से चुनो और किससे माच करो एविडेंस है फिर अगर हम बात करते हैं अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर क्या बात करते हैं अंडर स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिटर देर इज डाउट दैट सम क्रेडिटर्स आर अनरिकॉर्डेड अफेक्टिंग कंप्लीटनेस रेलेवेंट ऑडिट प्रोसीजर वुड बी इंक्लूड इंक्लूड वुड इंक्लूड को. किसको करो? Order. और देखो कि उसकी अकाउंटिंग हुई है कि नहीं हुई है क्रिएटर में आया कि नहीं आया रिसीविंग रिपोर्ट को सिलेक्ट करो देखो इसकी अकाउंटिंग हुई की नहीं हुई पेमेंट सिलेक्ट करो जो पेमेंट होते क्रिएटर को कि यह आया कि नहीं आया देन मैच इट विथ रिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ठीक है अरे हवा लगी क्या क्या चेक करते हैं कंप्लीटनेस किस को बेस बनाया एविडेंस को आप एविडेंस को बेस बनाओ रैंडमली आप पी आर एन सिलेक्ट करो जी आर एन सिलेक्ट करो परचेस ऑर्डर सिलेक्ट करो पेमेंट को सिलेक्ट करो आप स्टॉक एंट्रीज को सिलेक्ट करो और देखो कि क्रेडिटर में उसकी अकाउंटिंग हुई कि नहीं हुई है यह अनमैच क्या होता है सुन लो बहुत सिंपल है अकाउंट टीम बहुत होशियार होती है अकाउंट्स टीम क्या करती है कोई भी पेमेंट करने से पहले पूरा गुच्छा देखती है कि भाई उसका पी था क्या फिर परचेस ऑर्डर था क्या फिर उसका जी था क्या फिर उसका परचेस इनवॉइस था क्या पूरा मैच करता है जब उनको ये प्रूव हो जाता कि हाँ यार ये परचेस जेन्यूनली हुआ है कंपनी में माल जेन्यूनली आया है सही क्वालिटी का आया है वो उसको मैच करते क्या करते उसको मैच करते और फिर पेमेंट करते अगर सपोज कुछ डॉक्यूमेंट्स अनमैच्ड है क्या है अनमैच्ड सर अनमैच्ड मतलब परचेस ऑर्डर खाली पड़े हुए साथ में उसके आगे पीछे अपने को बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिख रहे परचेस ऑर्डर तो जी आर एन दिखना चाहिए था उसका परचेस इनवॉइस दिखना चाहिए था तो फिर हम उसकी छानबीन करते कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया अरे कहीं कुछ मिस तो नहीं हो गया सारे देखो प्रैक्टिकल लाइफ में चीज़ें नहीं क्या बहुत ही सिस्टमेटिक नहीं चलती जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है ना काम का काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है लोग छुट्टी मार देते हैं सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है तो बिना मिसमैच के काम चलता है यानी मिसमैच के साथ काम चलता है कुछ मैच नहीं हो रहा और फिर मालिक का बोलता है अरे भाई काम फटाफट करो प्रोडक्शन करके माल भेजना है परचेस वर्चेस मैच करते रहेंगे तो बहुत सी बार ये पूरा बंच बनता नहीं है अगर कुछ परचेस ऑर्डर आपके छूटे हुए हैं इन्वाइस छूटे हुए हैं तो उनको सिलेक्ट करो कहीं अकाउंटिंग करना भूल तो नहीं गए हम कही अकाउंटिंग करना भूल तो नहीं गए समझ रहे आप वहां पे तो आपने अनमैच डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाहिए देखना चाहिए कि अकाउंटिंग हुई कि नहीं हुई इस पे आज तक थेरी क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन मुझे लगा अगर आपको हाइयर लेवल अंडरस्टैंडिंग चाहिए बाकी कॉन्सेप्ट समझने तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आइए डेटर्स अरे क्या बोला डेटर्स ठीक है ध्यान देंगे मुझे बताओ अगर एक कंपनी के बैलेंस शीट में 500 करोड़ के डेटर्स है आपको चेक करना है कि डेटर्स सही है कि नहीं है आप कैसे चेक कर सकते आप थोड़ा तो सोच के बताइए डेटर्स बराबर है आप देखोगे बड़े बड़े क्रेडिट सेल देखोगे कि भाई बराबर एंट्री हुई थी कि नहीं हुई थी और टीडीएस सेल्स सेल्स हुआ तो पैसे आए होंगे तो उसका टीडीएस कटा है अच्छा टीडीएस से रिवर्स कैलकुलेशन कैलकुलेस से रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो सेल्स चेक हो जाएगा ठीक है और सेल्स सेल्स क्या चेक हो जाएगा बराबर है तो भाई डेटर में एंट्री हुई कि नहीं हुई अचानक कोई नया डेटर तो नहीं आ गया नकली डेटर हो सकता है अचानक कोई नया कस्टमर तो नहीं आ गया नकली हो सकता है जो नई नई चीजें आती है नकली हो सकती है ओके okay. पैसे मिले क्या अगर मार्च मार्च में में अरे साल कब कब खत्म खत्म होता होता है होता है ऑडिट जून जुलाई अगस्त में सपोज अगस्त में अपन हमेशा मानेंगे अपना ऑडिट कब खत्म हो रहा अगस्त कितने महीने बीच में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त कितने महीने हो गए पांच महीने पांच महीने और अपनी हमेशा ध्यान रखना अपनी एजीएम कब होंगी थर्टीएथ सितंबर ऑडिट कब खत्म हुआ थर्टी फर्स्ट ऑगस्ट और एजीएम कब है अपनी थर्टीएथ सितंबर नो लिशन पांच महीने और डेटर को चेक करने के तरीके क्या हो सकते हैं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन अरे यस नो एक्सटर्नल कन्फर्मेशन अगर कस्टमर एक्सटर्नल कन्फर्मेशन देगा मतलब डेटर सही है अगर मुझे दिख रहा है कि थर्टी फर्स्ट मार्च को पांच सौ करोड़ के डेटर्स है और पांच महीने के अंदर चार सौ नब्बे करोड़ का पैसा मिल चुका है इसको बोलते है, क्या बोलते हैं हैं रिकवरी रिकवरी क्या उसको अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे एज ऑडिटर एक नंबर चीज है साल खत्म होने के बाद क्या हो रहा है देखो सबसे इंटेलिजेंट हो तुम अगर तुम ये देखते हो कि साल खत्म होने के बाद क्या हो रहा है साल खत्म होने के बाद अगर तुमको डेटर से पैसे मिल रहे हैं इट प्रूव्स डेटर सही था साल खत्म होने के बाद में अगर क्रेटर को पेमेंट हो रहा है उसको सब्सिक्वेंट पेमेंट बोलते इट प्रूफ क्रेटर सही था साल खत्म होने के बाद तुमको ऐसा दिख रहा है इन्वेंट्री बिक रही है मतलब इन्वेंट्री सही थी साल खत्म होने के बाद के ट्रांजैक्शन देखो इट इज अ ब्यूटीफुल वंडरफुल सोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस अरे हवा लग रही है क्या देखो क्या बोल रहे सब्सिक्वेंट रिकवरी ऑफ डेटर्स विल प्रूव दैट डेटर वॉज रियल अगर हमको सब्सिक्वेंटली पैसे मिल रहे सब्सिक्वेंटली पैसे मिल रहे इट प्रूव दैट डेटर वॉज रियल दे एग्जिस्टेड देयर वैल्युएशन इज अप्रोप्रिएट बट उनका एक ठीक है बट इट प्रूव टू विच ईयर दिस डेटर बिलोंग टू विच ईयर दिस डेटर बिलोंग मतलब सर सुनो ध्यान दो सेल्स इज अ कंटिन्यूअस ट्रांजेक्शन यस नो अरे यस नो yes, सुनो एक दस लाख का सेल था दस लाख का सेल था गलती से ठीक है इस साल का सेल बुक हो गया दो अप्रैल को बुक होना चाहिए था इकतीस मार्च को बुक होना चाहिए था इकतीस मार्च को कब बुक हो गया दो अप्रैल को मतलब कट ऑफ में गई किस में गई कट ऑफ में इस साल का सेल अगले साल चला गया इससे क्या हुआ होगा हमारा सेल कम हो गया होगा अरे यस नो डेटर yes, भी Come. कम हो गए होंगे डेटर्स विल बी अंडर स्टेटेड अरे डेटर्स विल बी अंडर स्टेटेड डू यू अग्री विथ मी नाउ लिसन हम लाइन से रिकवरी चेक करने लगे रिकवरी से तो ये तो समझ में आ गया कि जो डेटर दिख रहा है वो असली है कि नहीं है एग्जिस्टेंस हमको बदल गया असली है कि नहीं है और अमाउंट पूरा पैसा मिला ना वैल्यूएशन भी चेक हो गया सबसीक्वेंट रिकवरी बड़ी प्यारी चीज है ये भी प्रूव करता है कि डेटर असली था डेटर असली था ये भी प्रूव करता है कि वैल्यूएशन बराबर है कि नहीं है अरे हवा लग रही क्या अगर डेटर के पूरे पैसे मिल रहे हैं 5 करोड़ का डेटर था और पांच करोड़ मिल रहा है इट प्रूव्स कि वैल्यू सही है अरे इट प्रूव्स कि वैल्यू सही है लेकिन ये जो तुम्हारी प्रोसीजर है ये चेक नहीं करती कि इस साल का अगले साल तो नहीं गया वन लो हम लोग डिस्कस कर रहे डेटर की और हम डेटर को कैसे चेक करने की बात कर रहे सबसिक्वेंट रिकवरी सबसिक्वेंट रिकवरी प्रूफ करता है कि 31 मार्च को जितना डेटर था वो एग्जिस्ट करता था कि नहीं करता था वो रियल है कि नहीं है वो ये भी प्रूफ करता है उसकी वैल्यू बराबर है कि नहीं, नहीं है लेकिन इससे ये नहीं पता चलता इससे ये नहीं पता चलता कि कितना डेटर इस साल का अगले साल चला गया कितना डेटर इस साल का अगले साल चला गया ये प्रूव होता नहीं, नहीं है अरे बात समझ रहे क्या ये प्रूव होता नहीं है इट ड चेक कट ऑफ इट डजेंट चेक कट ऑफ मतलब वो मैसेज देना चाहते हैं सब्सिक्वेंट रिकवरी इज वेरी गुड टू चेक एग्जिस्टेंस इज वेरी गुड टू चेक वैल्यूएंट रिकवरी करना सिंपल है साल के आखिरी पांच ट्रांजेक्शन चेक करो इस साल के आखिरी पांच और अगले साल के पहले पांच इस साल के आखिरी पांच और, और अगले साल के अगले पांच पहले पांच और चेक करो कई इस साल का सेल अगले साल तो नहीं है और अगले साल का सेल इस साल तो नहीं है अरे समझ रहे क्या जैसे आपने पांच इस साल के पांच लिए आपने और आपने देखा अरे ये तो एक अप्रैल का ऑर्डर था मतलब ये सेल इस साल के नहीं है कौन साल के अगले साल के अरे समझ रहे हमने अगले साल के पहले पांच लिए अगले साल के पहले पांच लिए उसमें दिख रहा तीस मार्च का है तो मतलब इस साल का सेल अगले साल चला गया गलती है अरे यस yes, नो no. अगर आपको आखिरी आखिरी में दिख रहा है अगले साल की चीजें आ तो गलती है और अगले साल में दिख रहा है इस साल की चीजें चली गई तो गलती है कट ऑफ चेक करना है तो इस साल के आखिरी पांच अरे इस साल के आखिरी पांच और अगले साल के पहले पांच आपको ये सबसे से भी ये ट्रेनिंग दी जा रही है एक प्रोसीजर एविडेंस से एक असरशन खुश होता है जरूरी नहीं है कि दूसरा असर्शन खुश हो सारे असर्शन का जवाब आपको मिले इसलिए आपको बताना चाहते हैं। लोग जाके बहुत चेकिंग करके आते हैं, लेकिन बहुत बार रेलेवेंट चेकिंग नहीं करते रेलेवेंट चेकिंग नहीं करते भाई तू क्या आदमी है यार रिस्क एग्जिस्टेंस में था कंप्लीटनेस चेक करके आ गया तू क्या आदमी है यार रिस्क कट ऑफ में था तू एग्जिस्टेंस वैल्यूएशन चेक करके आ गया क्या आदमी है यार ओवर स्टेटमेंट ऑफ क्रिएटर था तू अंडर स्टेटमेंट चेक करके आ गया प्रैक्टिकल तो लाइफ में आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली exactly मुद्दा क्या है तब जाके आप सही ऑडिट प्रोसीजर को तय कर पाओगे और सही एविडेंस को आप ला पाओगे इट जस्ट लाइक मेडिकल साइंस मेडिकल साइंस में भाई बंदे को रात को नींद नहीं आ रही है. हजार कारण हो सकते हैं। देर कैन बी वन थाउजेंड डिफरेंट रीजन उसको रात को नींद नहीं आ रही हो सकता है साइकोलॉजिकल इश्यू हो सकता है कोई स्टमक प्रॉब्लम हो देर कैन बी डिफरेंट थिंग्स तुम अगर सही डायग्नोसिस नहीं करोगे तो तुम सही ट्रीटमेंट नहीं दे पाओगे ऑडिट में भी वैसा ही है भाई देर कैन बी डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क ट्राई टू अंडरस्टैंड हर अलग अलग असर्सन में प्रॉब्लम हो सकता है जब तक तू समझेगा नहीं कौन से असर्सन में प्रॉब्लम है तब तक तू रेलिवेंट एविडेंस नहीं ला पाएगा अरे समझ रहे है क्या yes. किसके ऊपर चर्चा कर रहे Relevant audit evidence. किस पे? Relevant audit evidence. वो evidence जो पर्पस को कवर करे जो एग्जैक्टली exactly असर्शन को कवर करे जिसमें रिस्क है जिसमें रिस्क है वो एविडेंस कौन सा एविडेंस है रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस तीन एग्जाम्पल से वो हमको समझा रहे है. इन्वेंट्री को जाके तूने फिजिकल वेरीफाई किया किसका एविडेंस मिला एग्जिस्टेंस लेकिन तेरे को एविडेंस नहीं मिला किसका वैल्यूएशन का तू जाके क्रेडिटर में दो तरह की रिस्क हो सकती है ओवर स्टेटमेंट और अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट मतलब एग्जिस्टेंस अंडर स्टेटमेंट मतलब कंप्लीटनेस तेरे को अगर बड़ा चढ़ा कर चीजें दिख रही तो रैंडमली सिलेक्ट कर अकाउंटिंग रिकॉर्ड से किससे मैच कर ऑडिट एविडेंस से उल्टा लग रहा है कुछ चीजें मिस हो गई तो ऑडिट एविडेंस को सिलेक्ट कर किससे मैच कर अकाउंटिंग रिकॉर्ड से फिर और एक एग्जाम्पल दे रहे बोले लोग डेटर का क्या चेक करते सब्सिक्वेंट रिकवरी आज आपको सीखा अपने नॉलेज इसलिए पहले कुछ लेक्चर्स पहली पहली बार आप ये वर्ड सुनोगे सब्सिक्वेंट मैंने बोला बेहतरीन तरीका है ऑडिट एविडेंस का सब्सिक्वेंटली रिसीट हो रही मतलब डेटर सही है सब्सिक्वेंट पेमेंट हो रहा मतलब क्रिएटर सही है इन्वेंट्री बिक रही है मतलब इन्वेंट्री सही है लोन का रिपेमेंट दिख रहा है तुमको मतलब लोन सही है अब आपको अब आपके डेटर्स में आप सब्सीक्वेंट रिकवरी चेक करें इट प्रूव्स एग्जिस्टेंस इट प्रूव्स एग्जिस्टेंस इट इवन प्रूव्स वैल्यूएशन आपको पूरा पैसा मिल रहा है मतलब प्रूव कर रहा है कि वैल्यू सही थी कहीं पे आपको 90% पैसा मिल रहा है कहीं पे आपको 90% पैसा मिल रहा है और आपने बराबर प्रोविजन फॉर डेट बना के रखा था टेन परसेंट का मतलब वैल्यूएशन सही है इससे यह भी समझता है कभी कभी एक ही चीज आपको दो असर्शन का भी एविडेंस देती है इसलिए इट इज नॉट अट टू कट नहीं है इट इज अ आर्ट प्रैक्टिकल सिचुएशन में जाके महसूस करके आप देख पाओगे कि कौन से assertion को मैं चेक कर पा रहा हूं कौन से assertion को मैं चेक नहीं कर पा रहा हूं हवा के भाई ध्यान दीजिए आइए इंटरेस्टिंग पॉइंट वी कैन ऑप्टेन एविडेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एंड डिफरेंट नेचर फॉर सेम असर क्या एक ही चीज को चेक करने के लिए आपको मल्टीपल एविडेंस हो सकते हैं yes. यस डेटर के लिए एक्सटर्नल मिल रहा है क्या मिल रहा है एक्सटर्नल कंफर्मेशन एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रूव करता है कि डेटर असली था किसका एविडेंस मिला एग्जिस्टेंस सबसिक्वेंट रिकवरी देखी सबसिक्वेंट रिकवरी देखी वो भी क्या प्रूव करता है एग्जिस्टेंस तो बोले एक ही चीज को प्रूव करने के मल्टीपल तरीके हो सकते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ डेटर कैन बी चेक बाय एक्सटर्नल कंफर्मेशन सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन नहीं सब्सिक्वेंट रिकवरी सब्सिक्वेंट रिकवरी इतना अगर आपने शॉर्ट टर्ट में लिखा उतना काफी है लेकिन उन्होंने थोड़ा सा और लिखा है ये हल्का फुल्का समझेगा ठीक है सुन लो लिसन बस इस ऐसे के अंदर यही सबसे गहरी चीज है फिर उसके बाद में आगे सब टाइम पास है ठीक है ओके okay. यार मैं हमेशा सोचता हूँ कुछ सुनाऊ लेकिन आखिरी आखिरी में आ जाता हूं फटाफट ध्यान दो मैंने बोला था रिस्क इज अट एट लेवल अरे रिस्क इज अट एट लेवल ऑडिट प्रोसीजर्स आर डिजाइन एट Assertion level, evidence is collected at assertion level. Conclusions are made at assertions level. If assertions are true and fair, then financial item, then financial item is true and fair. और अगर सभी financial item true and fair है, तो पूरा financial statement is having true and fair. अब ये क्या बोल रहे सुन लो मोटा मोटी। और मैं आपको बता रहा हूँ audit में कभी भी जो understanding बनेगी, पहले मोटा मोटी बनेगी। कि भाई मोटा मोटी क्या है चीजें फिर आप धीरे और आगे इंप्रूव रिफाइन होते जाता है इनका कहना है कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल तुम सोच समझ के करो सोच समझ के करो जिस असर्शन में प्रॉब्लम है जिस असर्शन में प्रॉब्लम है उसका कंट्रोल आइडेंटिफाई करो बापरे बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं एक्चुअली उसका क्या आइडेंटिफाई करो कंट्रोल और उसको टेस्ट करो ठीक है अब आराम से बैठो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं सुनो ध्यान देंगे कंपनी के परचेस में दो मैनेजर्स हैं कितने मैनेजर्स हैं दो मैनेजर्स हैं एक मैनेजर को बोला हुआ है कि बेटा जब भी परचेस का तेरे पास रिक्वेस्ट आए तो तू जाके तेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम है परचेस ऑर्डर में यह देखना कि प्राइस बराबर है कि नहीं क्या बराबर है कि नहीं प्राइस बराबर है कि नहीं तेरा यह काम है एक मैनेजर के रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी में लिखा है तेरा पूरा फोकस किस पे होना चाहिए प्राइस तो वो बंदे की सिग्नेचर और स्टैम्प दिखी मतलब क्या बराबर है प्राइस बराबर है ही इज प्रोटेक्टिंग प्राइस अरे ही इज प्रोटेक्टिंग प्राइस कि भाई प्राइस बराबर है कि नहीं है और प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या होता है आपका अमाउंट मतलब ही इज प्रोटेक्टिंग एक्यूरेसी अरे समझा मैं क्या बोल yes. एक मैनेजर को जिम्मेदारी क्या दी बराबर प्राइस, प्राइस, प्राइस बराबर है कि नहीं है। अरे क्या है yes, yes, प्राइस बराबर है कि नहीं है अरे यस नो यस नो प्राइस बराबर है कि नहीं है तेरे को जाके देखना प्राइस बराबर है कि नहीं मतलब इट इज ही प्रोटेक्टिंग व्हाट? एक्यूरेसी। प्राइस इनटू क्वांटिटी आपका परचेस अमाउंट होता है यस नो इज प्रोटेक्टिंग व्हाट एक्यूरेसी अब दूसरा सुनो एक मैनेजर को बोला अकाउंटिंग वाले मैनेजर को जब जी आर ना दिखे परचेस बुक मत करना जब तक जी ना दिखे परचेस बुक मत करना जी आर एन माल आया जी आर एन माल आया जी आर एन प्रूफ ट्रांजेक्शन ऑकर हुआ जी आर एन प्रूफ ट्रांजेक्शन ऑकर हुआ ट्रांजेक्शन ऑकर हुआ मतलब एक मैनेजर चेक करता है कि जब तक जी नहीं आएगा तब तक मैं एंट्री पास करने वाला नहीं हूं ही प्रोटेक्टिंग ऑकरेंस अरे ही प्रोटेक्टिंग ऑकरेंस एक मैनेजर का पूरा फोकस है प्राइस के ऊपर कि प्राइस बराबर है कि नहीं है एक मैनेजर का पूरा फोकस है ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ दो अलग अलग लोग अलग अलग चीजों को चेक कर रहे हैं अरे समझ रहे क्या आप एक प्रोटेक्ट क्या कर रहा है एक्यूरेसी और एक प्रोटेक्ट क्या कर रहा है ऑकरेंस अब वो बोले हमेशा ध्यान देना तुमको अगर एक्यूरेसी में डाउट है तो तुमको दूसरे पहले वाले मैनेजर का काम चेक करना पड़ेगा और अगर तुमको ऑकरेंस में डाउट है तो तुमको दूसरे वाले मैनेजर का काम चेक करना पड़ेगा अरे समझ रहे क्या क्या बोलना चाहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में हर असर्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग कंट्रोल्स होते हैं। अलग अलग कंट्रोल्स होते हैं जिस असर्शन में डाउट है उसका कंट्रोल चेक कर एक्यूरेसी में डाउट है तो एक्यूरेसी का कंट्रोल चेक कर तेरे को अगर ऑकरेंस में डाउट है तो ऑकरेंस का कंट्रोल चेक कर और एक एग्जाम्पल सुनो जो बंदा अकाउंटिंग करता है ना उसके सामने एक चार्ट है कि अगर इस नेचर का आइटम है तो इस अकाउंट में डेबिट करना कि अगर मैन्युफैक्चरिंग नेचर का है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में डालना अगर तेरा एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का है तो इधर डेबिट करना सेलिंग नेचर का है तो सेलिंग में मतलब वो जो चार्ट है ना इट इज टेकिंग केयर ऑफ क्लासिफिकेशन अरे यस yes, नो no. सुनो हर खर्चे का नेचर अलग है ना कोई तुम्हारा जाता मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अरे कोई जाता मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कोई जाता एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट कोई जाता सेलिंग कॉस्ट तुमने गलती नहीं होनी चाहिए इसलिए एक चार्ट बना के रखा है और एम्प्लॉय को बोला है चार्ट में देखना कौन से अकाउंट में डेबिट मारना है ताकि किसमें गलती ना हो क्लासिफिकेशन मतलब क्लासिफिकेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा कंट्रोल अलग है अरे तुम्हारा कंट्रोल अलग है बोलने का मतलब यह है और ये सिर्फ एक्सपर्ट चार्ड अकाउंटेंट समझ पाते हैं कि हर असर्शन को प्रोटेक्ट करने वाला कंट्रोल अलग होता है तुम जाके मैनेजर एक का काम चेक करके आ गए और तुम बोल रहे हो ऑकर सही है अरे भाई तू एक्यूरेसी चेक करके आया क्या चेक करके आया एक्यूरेसी अरे हवा लग रही है क्या चलो इतना सबको क्लियर है हर असर्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, के लिए कंट्रोल अलग होता है इसलिए जिस असर्शन में प्रॉब्लम उसका कंट्रोल आइडेंटिफाई करो और सीधा उसको जाके चेक करो एक्यूरेसी के लिए कौन था मैनेजर नंबर वन ऑकरेंस के लिए मैनेजर नंबर टू बी और फिर हमने बोला क्लासिफिकेशन के लिए अकाउंटेंट था क्या था हमारा चार्ट इसलिए तुमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल को सही तरीके से डिजाइन डिजाइन करना मतलब तय करना क्या करना तय करना आपने सही तरीके से उसको तय करना चाहिए देखो क्या लिखा है आइए इन टेस्ट ऑफ कंट्रोल वी चेक कंट्रोल्स आर एबल टू प्रिवेंट डिटेक्ट हम ये चेक करते हैं कंट्रोल्स अच्छे हैं ना गलतियों को रोक पा रहे ना प्रिवेंट डिटेक्ट और करेक्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट इसके बारे में और चर्चा करेंगे पूरा स्टैंडर्ड है इसके ऊपर अपना वी हैव टू आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ द कंट्रोल वी हैव टू आइडेंटिफाई पार्ट ऑफ द कंट्रोल विच प्रोटेक्ट अ पर्टिकुलर असर्शन एंड वेदर इट इज परफॉर्मिंग प्रॉपरली सिग्नेचर एंड स्टैंप ऑफ सीनियर मैनेजर एंश्योर्स दैट ओनली जेन्युअन परचेसेज आर रिकॉर्डेड इफ सिग्नेचर स्टैम्प पर प्रेजेंट ऑन डॉक्यूमेंट इन असर्शन ऑफ ऑक्रंस कभी कभी मैनेजर को बोला होगा तो चेक करना कि भाई सही में माल आया कि नहीं आया तभी सिग्नेचर स्टैम्प डालना मतलब वो क्या प्रोटेक्ट कर रहा है ऑक्रंस अरे क्या प्रोटेक्ट कर रहा है ऑक्रंस हवा लगी थोड़ा हैवी था आखिरी का आखिरी का पोर्शन थोड़ा हैवी था लेकिन अगर आप एक एक्सपर्ट बनना चाहते हो आप नॉलेजेबल बनना चाहते हो तो थोड़ थोड़ी थोड़ी गहराई हमको बराबर आगे बढ़ना पड़ेगा लेकिन अगर इतना समझा है मैं सही बता रहा हूँ अगर आज आपको इतना समझ गया कि हर असर्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग कंट्रोल हो सकते हैं और उसको अलग अलग से चेक करना है अपने आप में काफ़ी क्यों मेरे को लग रहा है हैवी हो गया क्योंकि मैं आखिरी आखिरी में देख रहा था लोग झूलने लग गए लेकिन अब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं जहर मारूँ कि नहीं मारूँ तो मैं लेकिन मैंने चुना कि मैंने कॉन्सेप्ट को बताना चाहिए एक छोटी सी चीज़ बाकी है ठीक है सबस्टैंड प्रोसीजर वाली आज का ऑडियो ध्यान से सुनना आज का ऑडियो और आप हाँ वापस रिस्क असेसमेंट करो अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट हैवी गया ज्यादा चैलेंजिंग गया उसको मार्क करो घर पे जाके उसी को ज्यादा रीड करना है आपके चार्ट की रीडिंग को ज्यादा रखो इनिशियल जिस पे क्यों आपको बता रहा हूँ चार्ट आपके बहुत कॉन्सेपचुअली बने हुए हैं नीचे घूमोगे ना लैंग्वेज में कहीं पे पहुंच नहीं पाओगे ठीक है चलिए Bye, 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 bye. Bye, bye, bye. Jinda rena bas.